ये क्लास काफी इम्पोर्टेंट है, इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो मॉक में तो थी, मतलब नहीं थी, वो मैंने खुद से ऐड करी है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, तो वो आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना, काफी इम्पोर्टेंट है क्लास, तो बिल्कुल ध्यान से सब लोग। आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन? आ रही है, ठीक है, चलिए ठीक है। जो भी बच्चा देखो सिंसियर नहीं है ना, चाहे वो प्राइम एपी का है कोई भी है, उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको क्लास लगा के फायदा नहीं होगा। जो भी बंदा सिंसियर है उसी को क्लास लगा के फायदा होगा, और क्लास लगाने के लिए जरूरी है कि आपके पास क्या हो, पेन कॉपी। पेन कॉपी नहीं है तो अभी क्लास छोड़ दो, और अगर अच्छे से पढ़ाई करनी है, 5-6-8-9 टॉपिक है आज जो हम कंप्लीट करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। चलिए मैंने शेयर कर दिया वीडियो, आई होप सबने शेयर कर दिया होगा, और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो वो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना एक बार। 1 घंटे का एक क्विज सेशन डेली बेस पे हम लोग रखेंगे, अभी कल से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्विज सेशन होगा, उसके अंदर बस हम लगभग 50 क्वेश्चन जो है डेली बेस पे वो करने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लेना एक बार चैनल, और अगर एफर्ट्स ठीक लगे तो आप लोग वीडियो लाइक भी कर सकते हो। बड़े बेटा आगे सब लोग यस लिख दो अगर मैं ऑडिबल हूँ कम्प्लीटली। क्या बात है, पुरेंद्र तिवारी आज क्लास में है, देखो ये लोग NLU में है अभी। चलिए ऋषिका वो एक बार मैं भेज दूंगा तुमको, मैं एक बार टेलीग्राम, अच्छा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहता है तो उसको ज्वाइन कर लेना अगर तुमको PDF चाहिए सारी। तो टेलीग्राम ग्रुप में है ना सब लोग, आधी जनता तो उसमें नहीं होगी मेरे ख्याल से, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आज मैं पहला जो पैसेज है ना, पैसेज को थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार, पैसेज रिलेटेड आपका G20 से। भाई इंडिया बहुत खुश है, भारत के पास पहली बार ऐसा मौका आया है आपका कि हम G20 की समिट को क्या करने वाले हैं, आपका होस्ट करने वाले हैं, अपने लिए बहुत बड़ी बात है। और 1 तारीख से मतलब कल जो है इंडिया प्रेसिडेंट बन चुका है आपका, 1st of December, 1 दिसंबर को हमारे पास प्रेसिडेंसी आ चुकी है किसकी, आपके G20 की। अब G20 है क्या, G20 बना कैसे, इसके बारे में जो है अगर G20 पे क्वेश्चन आया ना, 5 क्वेश्चन आए तो 3 क्वेश्चन वो होते हैं जो सब कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें सबको ना थोड़ा सा डाइसी रहता है और फिर वहीं पर मिस्टेक आपकी होती है। आपको इसका ओरिजिन देखना है, प्रॉब्लम क्या था कि 1990s का जो दौर था ना, उस टाइम पर आपकी फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में था। आपको तो पता नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता ज्यादा, तो मैं भी बच्चा ही था उस टाइम पे। 1990 का जो क्राइसिस है उसमें इंडिया को भी अपना गोल्ड जो है ना वो गिरवी रखना पड़ा था, किसके सामने, आपके IMF के सामने। तो 1990 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था ना, उसमें एक चीज समझ आ चुकी थी पूरी दुनिया को कि पूरी दुनिया ना फाइनेंशियली सस्टेनेबल तो नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, येस और नो, ये चीज बताओ। मेन रिक्वायरमेंट किस चीज की दिख रही है यहां पर आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें किससे दूर होती हैं आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके। तो यहां पर जो बेटा आपकी ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करी गई ना, उसका नाम क्या था आपका, G20। 1999 के अंदर G20 आपका बना, और इसका मेन काम आपको याद रखना है आपका क्या बेटा, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इनफैक्ट 2009 में तो इन लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर किया है ये चीज कि हमारा मेन काम क्या है आपका, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराना पूरी दुनिया को। बताओ ये चीज सबको समझ में आई बेटा, कि G20 के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन सबको पता होगी, बट आपको क्या याद रखना है कि पूरी दुनिया को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने का काम जो है वो किसका, आपका G20 नेशन का, ठीक है। अब G20 की अगर हम बात करें तो एक तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब जैसे जैसे टाइम बदलता गया हमको पता है कि नए टारगेट भी अपने को जोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो अब इन्होंने एक चीज पे और काम शुरू कर दिया, क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा है, तो एक क्लाइमेट चेंज पे भी काम करते हैं, और एक आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
कोई पूछे कि भाई तीन गोल हमको बताइए G20 के, तो आप क्या बोलोगे कि पूरी दुनिया को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना, उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज पे काम करना, प्लस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करना। बताओ समझ में आ रहा है सबको? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है G20 से रिलेटेड आपका। अब G20 के अंदर, G20 को आप एक बड़ा ग्रुप मान के चलो बेटा, सिलोजिज्म आप लोग पढ़ोगे या फिर आपने पढ़ा होगा, ये G20 है, तो इसी के अंदर एक ग्रुप और है जिसका नाम क्या आपका G7। तो ऑल G7 मेंबर्स आर मेंबर ऑफ G20 ऑल्सो, ये भी चीज क्लियर हुई सबको। अब जो G20 है ना, पूरी दुनिया का अगर मैं देखूं, इसके पास है आपका, इस G20 के पास क्या है, पूरे वर्ल्ड का 80% ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट, मतलब जिसको जैसे हम अपनी GDP कैलकुलेट करते हैं ना, कि इकोनॉमिक साइज पूरी दुनिया का किसके पास है, इन 20 एंटाइटीज के पास। इसमें भैया जी आपके 19 तो देश हैं और साथ में क्या है आपका, यूरोपियन यूनियन। इन सबके पास क्या बच्चों, आपका 80% ऑफ ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट। कई जगह पे 60% आपका वर्ल्ड ट्रेड लिखा हुआ है, बट वो थोड़ा सा वैरिड है, सब जगह पे मैंने वेरीफाई किया उसको, वो आपका किसी किसी साल में 59 है, और मैक्सिमम पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग होती है ना, 77% इन्हीं देशों के अंदर होती है, कई बार 80 पे भी आपका टच कर चुका है। आप सोच कर देखो, पूरी की पूरी दुनिया, 200 से ज्यादा प्लस कंट्रीज आपकी हैं दुनिया में, बट ये 20 एंटाइटीज को अगर हम जोड़ दें तो 80% पूरा का पूरा इकोनॉमिक वैल्यू इन्हीं के पास है, और लगभग आपका 80% ही क्या करते हैं आपका वर्ल्ड ट्रेड। तो क्या अगर यही लोग आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आपस में अपनी फाइनेंशियल पॉलिसीज डिस्कस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? इसी के लिए क्या बना आपके सामने आपका G20, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया कि आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बताओ क्लियर है सबको ये चीज? ऑनलाइन वाले भाई बंधु लोग जल्दी से बता दो। श्रीजा मेरे को तो बड़ा क्लियर दिख रहा है बोर्ड, बाकी एक बार थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं उसको। जल्दी से सारी चीजें लिख ली हैं सबने? टाइप CC अगर आपको क्रिस्टल क्लियर है तो, अगर कोई डाउट है तो डाउट लिख देना। चलो सबको क्लियर हो गया है ना, गुड। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अभी अपने को G20 के बारे में इतना इंफॉर्मेशन पता चल चुका है। अब ना कुछ कंट्रीज हैं जो इसका पार्ट नहीं है। हम देखते हैं कि सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज किसका पार्ट है आपके G20 का, बट देर आर थ्री कंट्रीज, ठीक है? घुमाएंगे नहीं, शुरू का टाइम होता तो घुमाते, अच्छे से पूछते तुमसे कौन कौन नहीं है। एक तो है बेटा आपका स्पेन। स्पेन इसका मेंबर नहीं है बट परमानेंटली इन्वाइटेड है, याद रखना कि स्पेन इज परमानेंटली इन्वाइटेड बट नॉट अ मेंबर ऑफ G20। एक है बच्चों आपका सिंगापुर, और एक है आपका UAE। ये तीन मेजर कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज बड़ी हैं ये भी, बट ये तीनों किसका हिस्सा नहीं है बेटा आपके G20 का। ये तीनों के तीनों G20 का पार्ट नहीं है, ये याद रखना। बड़ी कंट्रीज हैं बट नॉट अ पार्ट ऑफ G20, ये G20 के अंदर आपके नहीं आते। डन, इतना लिख लिया होगा सब लोगों ने, है ना? ठीक है, नहीं भी लिखा होगा तो वीडियो अवेलेबल है, बाद में पॉज करके देख देख सकते हो उसको फिर से। देखो इधर अगली मीटिंग कहां पर होने वाली है, इंडिया के अंदर होगी। इंडिया ने प्रेसिडेंसी अज्यूम कर लिया। अब इंडिया क्या चाहता है कि सब लोगों को दिखाए, पूरे के पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग छोटे छोटे लोगों को बुलाकर बाहर से दिखाए कि अपॉर्चुनिटीज कितनी सारी हैं अपने यहाँ पर अवेलेबल। अभी हम सबको बताया कि 31 अक्टूबर 2019 को अमित शाह जी ने बोला कि अब क्या हो चुका है आपका कश्मीर जो है वो किसका पार्ट हो गया आपके इंडिया का। आर्टिकल नंबर 370 को बाय यूजिंग द आर्टिकल 370 सब क्लॉज 3 क्या कर दिया गया आपका, हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट बना। अब जो है G20 की मीटिंग में ना आपका किसको कहां पर भी फोकस है अपना, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। भाई इतने अमीर देश आएंगे, सब बड़े बड़े कंट्रीज है, US है, UK है, इटली है, जापान है आपका, ये सब कंट्रीज इसके अंदर है आपकी। तो कैन वी से वन थिंग कि जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मिल सकती है, नया स्टेट है। सबसे इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए आपका,
क्या टूरिज्म में यहाँ पर हब बन सकता है, नहीं बन सकता। और आपको पता है टेररिस्ट लोग भी टूरिस्ट लोगों से ज्यादा छेड़छाड़ आपका करते नहीं है यहाँ पर। जो टूरिस्ट कम्युनिटी है ना, एक्चुअल में पैसा कहाँ से आ रहा है पूरे के पूरे कश्मीर में आपका, वहीं से ही। चलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, हमारा ऑनलाइन बच्चा मुझे कॉल कर रहा है क्लास के बीच में। चलो क्लास के बाद बात करेंगे उससे। बताओ इतना क्लियर हुआ सबको, जम्मू एंड कश्मीर फोकस रहेगा बच्चों। अब आप अगली चीज देखो कि सब जगह पर ना इन लोगों को लेकर आ जाएगा। एक चीज और याद रखो कि जिस स्टेट में, अगर किसी भी स्टेट में इलेक्शन चल रहा है ना, इलेक्शन वाली स्टेट को क्या करेंगे, स्किप करेंगे। कब तक स्किप करेंगे, जब तक वहां पर इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो आपको फाइंड आउट करना है कि 2023 के अंदर इंडिया की कौन कौन सी स्टेट जो है वहां पर आपके क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। 2024 में तो क्या होगा, इंडिया में लोकसभा का चुनाव होगा, बट 2023 में जहां जहां पर आपके चुनाव हो रहे होंगे वहां पर आपका क्या होगा बेटा, आपका इनको इनवाइट नहीं किया जाएगा। बताओ ये क्लियर हुआ सबको। अच्छा बहुत आसान सवाल है, इसका आंसर मेरे ख्याल से मॉक में भी सब लोगों ने ठीक लिखा होगा। 17G20 हेड ऑफ द स्टेट, कहीं पर प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, कहीं पर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो उनके हेड ऑफ स्टेट को यहां पर आपका बुलाया जाता है। अभी मीटिंग कहां पर हुई आपकी फाइनली, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया में आपका फाइनली मीटिंग हुआ, इंडोनेशिया को पैसा भी मिला। मैंने बताया था कि G7 वालों ने इनको और यूरोपियन कंट्रीज ने इनको मेरे ख्याल से 600 मिलियन का फंड आपका दिया। इंडोनेशिया को देखते ही अपने दिमाग में क्या आ रहा होगा, पाम ऑयल। पाम ऑयल के एक्सपोर्ट को इन्होंने क्या किया था आपका, उसको बैन किया था, है ना। पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन इस कंट्री ने किया। उसके अलावा बच्चों अपने दिमाग में क्या आना चाहिए इंडोनेशिया से रिलेटेड, कैपिटल शिफ्टिंग। इन्होंने क्या किया था अपना, कैपिटल शिफ्ट। इनका कैपिटल कहां पर पहुंच रहा है आपका, नुसांतरा। नुसांतरा इनकी क्या होगी, आपकी अगली राजधानी, आपका नुसांतरा इनका कैपिटल होगा। इंडोनेशिया जो है यहां पर आपका, आप मान के चलिए कि दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है आपका सबसे ज्यादा, वो कहां पर है, इंडोनेशिया। वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन भी कहां पर है आपका, इसी कंट्री के अंदर, मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री आपकी। इसका नाम क्या आपका, इंडोनेशिया। ठीक है बताओ क्लियर हुआ ये चीज सबको। ब्राजील को देखकर आपको याद आना चाहिए लूला भाई साहब की, जो लूला भाई साहब हैं उन्होंने सारे पोल्स को हटाते हुए एक आदमी जो है, ये है क्या आपका लेफ्ट विंगर, ये आपकी लेफ्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, ये लेफ्ट लीडर है, ये क्या हुए आपके, जीत चुके हैं कहां पर आपके, ब्राजील में इलेक्शन। सब लोगों को लगा था कि वापस आएगा जेयर बोल्सोनारो, बट वो नहीं आया, उसकी जगह पे कौन आया आपका, लूला भाई साहब आ गए। नेदरलैंड्स को क्रिकेट प्रेमी याद रख सकते हैं, इन्होंने, इनकी वजह से पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था, क्योंकि इन्होंने हरा दिया था किसको आपके, साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को हराया, इसलिए इसकी वजह से आपका बड़ा मरते मराते आपका कौन आ गया, पाकिस्तान, उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया और फाइनली फाइनल में पहुंच गया आपका। नेदरलैंड्स जो है उसने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया इस बार के वर्ल्ड कप में, और शायद उनको डायरेक्ट एंट्री मिल गई है, पता नहीं, नहीं मिले, चेक करना अगला जो T20 वर्ल्ड कप है उसके अंदर। यूएई देख के क्या रिकॉल हो पा रहा है बेटा आपका, सीपा याद आ रहा है सबको, बिल्कुल ठीक है, सीपा अपने को याद आना चाहिए। और क्या याद आ रहा है, इनका मेडल मोदी जी को मिला हुआ है, उसका नाम क्या बच्चों आपका, शेख जायद मेडल, और ये फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट अरेबियन कंट्री जहां पर है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर वाली पहली कंट्री, अरब कंट्री की बात करें। आपका मार्स पे इन्होंने एक मिशन भेजा है जिसका नाम क्या आपका, होप मिशन, वो भी किसका आपका, इन्हीं का। हम कौन सी देश की बात कर रहे हैं आपका, यूएई की, और दुनिया की पहली कार्बन फ्री सिटी जिसका नाम क्या है, मजदर, वो भी कहां पर है आपका, यूएई के अंदर। COP28 भी कहां पर होगा आपका, COP28। बताओ बच्चों क्लैरिटी आ रही है सब लोगों को, क्या ढूंढो मेरे को क्या है। अच्छा GCC से ट्रेड डील हो रहा है ना अपना, उसको भी रिकॉल कर सकते हो। GCC में कितने देश हैं, अंकित भाई बताएगा अपने को। एक काम करो, दरवाजा उधर है, बाहर जाओ, 36 का स्क्वायर बता रहा है तो 6 है,
अच्छा चलो ठीक, कॉन्फिडेंस तो तगड़ा, अभी नहीं पूछ रहा मैं, लाइव क्लास चल रही, बाद में बात करते हैं। बहुत सारे सवाल है मेरे पास जिनका जवाब तुम देना चाहो तो दे सकते हो। बताओ क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट G20? अब G20 देखते ही आंखें चमकनी चाहिए, अपने को याद आना चाहिए 90 के क्राइसिस में 90 खत्म होने से पहले ही G20 बन गया था, तो 82 का तो सवाल नहीं होता। जैसे ही दिखा ये तो गलत हो गया। अगर पेपर में आया, मॉक में आया तो पूरा पढ़ना है, पेपर में अगर आ गया कि पहला ही गलत है और नीचे की तरफ आ जाए नन ऑफ दी अबव लिखा हुआ है, तो सीधा मतलब बी और सी को नहीं पढ़ेंगे, उसको हम इंस्टेंटली छोड़ देंगे। तो अपना आंसर यहाँ पर डन हो गया था। इट्स गोल इज टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये तो मैंने अभी अभी बताया तुमको, पता है सबको। कंट्रीज अकाउंट फॉर 60% ग्लोबल पॉपुलेशन, 80% ग्लोबल जीडीपी और लगभग 75% ऑफ वर्ल्ड वाइड कॉमर्स। अब 50 मतलब लगा के चलो 60 to 80 कुछ भी आएगा भाई उसको सही ही मानेंगे हम लोग, ठीक है? बताओ क्लैरिटी मिल रही है सब लोगों को? चलिए नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following were the outcomes of 17th annual G20 summit held recently? अभी अभी जो मीटिंग हुई आपका, कौन कौन से इसके आउटकम थे? तो इसका तो मेरे ख्याल से बिना किसी ने देखे ऑल ऑफ द अबव लगा दिया होगा, लगा दिया ऑल ऑफ द अबव, और वो ठीक भी हो गया होगा, है ना? ठीक है, अच्छी बात है, कुछ फ्री के नंबर भी तुमको मिल जाएंगे। मेंबर कंट्रीज इशूड अ स्टेटमेंट, रशिया का इंटरवेंशन यूक्रेन में, ये तो हर जगह पे बात यही हो रही है भाई, पढ़ने की जरूरत नहीं। कहीं पे कॉमनली सोच सकते हो कि सिक्योरिटी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में रशिया यूक्रेन का स्यापा तो हो गई होगा। इन द कम्युनिकी G20 इकोनॉमीज अग्रीड टू केयरफुली मैनेज इंटरेस्ट रेट राइजेस टू अवॉइड स्पिल ओवर्स एंड वार्म्ड ऑफ इंक्रीजिंग वॉलेटिलिटी इन करेंसी मूव्स, अ स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू लास्ट ईयर फोकस ऑन हीलिंग द वाउंड्स ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। आप ये समझो, ये बहुत सही चीज लिखी है इसने यहाँ पर, जिसको इकोनॉमी आती है उसको समझ आया होगा, नहीं तो सबने ऑल ऑफ द अबव कर दिया होगा। भाई ब्याज की दरें जब भी, जब COVID-19 था तब महंगाई को कंट्रोल करना मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सरकार का, या फिर लोगों की जेब में पैसे हो खाने के लिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पैसा हो जेब में, पैसा सस्ता मिलेगा तभी आपका इजी क्रेडिट, अगर आरबीआई इजीली पैसा देगा ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको पैसा देंगे। तो जब आपका कोविड था ना, तब इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में आपका जो पॉलिसी चल रही थी उसको कहते हैं इजी मनी पॉलिसी। जब भी आप लोगों को नजर आए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आरबीआई जो भी सेंट्रल बैंक्स है वो अपने ब्याज की दरों को, इंटरेस्ट रेट्स को कम करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर दिए, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पैसा इजिली मिल जाएगा, तो क्या बोल दिया, इजी मनी पॉलिसी, है ना? और अभी के टाइम पर आपका मार्केट कर गई इन्फ्लेट, सबकी जेब में पैसा आया। जैसे ही हमारी जेबों में पैसा आएगा ना, आप अपने अकाउंट में एक काम करो, आप अपने अकाउंट में 5 लाख रुपए डलवा लो, ठीक है? इंस्टेंटली 15 दिन के भीतर भीतर बैंक आपको कॉल करेगा कि आपके लिए ना एक पर्सनल लोन का ऑफर है, आप लेंगे क्या? इंस्टेंटली 2-3 लाख रुपए का लोन आपको देने के लिए तैयार है और सबने लोन लिए। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी जो बेल्ट है ना, अपनी गुजर की थड़ी से इधर गोपालपुरा बाईपास तक पूरे इंस्टीट्यूशन है, वो सबके पास आए, उन्हें सबको बोला कि आप लोन लेंगे क्या? हमारा तो किस्मत ठीक था, ठीक चल रहा था सब कुछ काम, तो हमने लोन के लिए मना किया उस टाइम पे। बट बाकी सबने जिन्होंने लोन लिए, लोन का इंटरेस्ट था 17-18%। मतलब आपको क्या करना है, पहले 18% सरकार को देना है कमाकर, फिर उसके बाद आपको 18% ज्यादा भी कमाना है उस पैसे को लगा के। लोगों ने क्या किया, वो पैसा ना बिजनेस में लगाने की बजाय किसमें यूज कर लिया, अपने डे टू डे एक्सपेंसिस के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या होगा, पैसा सरकार के पास जाना बंद हो गया, लोग डिफॉल्ट करना शुरू कर गए। और मार्केट में जब लोग स्पेंडिंग शुरू करते हैं तो क्या होता है, चीजों की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, मार्केट में पैसा ज्यादा आ गया तो इन्फ्लेशन हो गया। अब इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी आएगी, टाइट मनी पॉलिसी। टाइट मनी पॉलिसी में क्या करेंगे, अब तुम अपनी कॉमन सेंस करके बताओ, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे घटाएंगे, बढ़ा दें इंटरेस्ट रेट को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अभी आजकल कौन सा टाइम चल रहा है बच्चों आपका, टाइट मनी पॉलिसी का। अब तुम्हें न्यूज़पेपर में, सरकार में, न्यूज़पेपर में कभी भी ब्याज दरों की बात आए तो अपने को समझ में आएगी ये चीज कि अपने को क्या करना होता है। अब ये वाली लाइन तुम समझ जाओगे, द लीडर अग्री टू वर्क टूगेदर टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी इश्यूज एंड प्रेज द ब्लैक सी ग्रेन एफर्ट्स। आपका जो ब्लैक सी के ग्रेन, ब्लैक सी है आपका, अभी एक मैप में आपको दिखाता हूं मैं, ब्लैक सी पड़ता है बिल्कुल रशिया के नीचे, एक मिनट दिखा देता हूँ इसमें ना,
अब तो अपने पास ये है ना, ये देखो बिल्कुल वो क्रीमिया के नीचे ब्लैक सी है ना, उससे आपको समझ में आएगा। ये देखो इधर से आया नहीं है आ गया, ठीक है। इधर देखो यहाँ पे बेटा, ये है आपका ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी में आप आराम से देखो इसको ध्यान से, इस साइड में क्या है बेटा आपका, यूक्रेन है। ये वाला जो रीजन है इस साइड में आपका क्रीमिया का, इसके ऊपर ऑलरेडी किसने कब्जा कर लिया था आपके, रशिया ने। अब रशिया के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, सबको मेक इन मतलब अपने देश में बनाना है, अपने आप आगे बढ़ना है। रशिया को अगर सामान बेचना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, एक तो ऊपर जा सकता है सामान बेचने, बट ऊपर क्या है, बर्फ पड़ी है, आर्कटिक सर्कल है, नहीं जा सकता उस साइड में। नीचे जाने का सोचे तो इधर कौन है, चाइना, वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है आपका। इस साइड में अगर निकलेगा तो इस साइड में यूएसए आ जाएगा, धरती गोल है ये समझ लेना, ठीक है। मतलब अगर इधर जाएगा तो कौन आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा। अब इसके नाम का भाई सत्यानाश हो चुका था पूरा, इसको क्या मिला कि यहां पर ना बना बनाया पोर्ट है, सीधा ये पूरा एरिया पे अपना कब्जा होगा। ब्लैक सी से ना ये सीधा किधर निकल सकता है आपका, ये पूरा इधर मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा एजेंसी के बाद, और इधर नीचे की तरफ जाएगा तो आपका रेड सी है। यहां पे कौन सा सी आ गया, ये मेडिटेरेनियन हो गया ना, इसके नीचे जाएगा तो रेड सी है, और इधर अगर निकल गया तो कौन सा आपका अटलांटिक ओशन है। तो आपका इसने कब्जा ही क्यों किया, क्योंकि इसका मैरीन रूट पूरा का पूरा ओपन हो रहा था, इसके लिए इसने क्या किया आपका ये काम किया। अब ये पूरा जो रीजन है ना आपका ब्लैक सी वाला, जितना भी रीजन है, यहां पर किसकी उपज होती है बेटा आपके, ये पूरा रीजन क्या है आपका, जैसी हमारी है ना सॉयल आपकी, वैसी सॉइल किन रीजन में मिलेगी आपके, इन रीजन के अंदर। और इन रीजन में आपका क्या हो गया, कम हुआ कि ज्यादा हुआ बेटा, नहीं पहले क्या हुआ, जब अटैक किया गया आपका तो फूड सिक्योरिटी का सवाल हो गया पूरी दुनिया के सामने, बट धीरे धीरे इस रीजन के अंदर जहां पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था उनको अटैक करना क्या करवा दिया आपका, बंद करा दिया, ताकि फूड स्कैर्सिटी आपकी ना आ जाए। बताओ ये क्लियर हुआ सबको, पक्का? चलो इसको रब कर दूं ना, तो जरा कौन सा कनेक्टिंग पोर्ट, क्रीमिया ही उसके पास चला गया ना। तो बेटा 2014 में उसने कब्जा कर लिया क्रीमिया पे, 2014 में कब्जा कर चुका है क्रीमिया पे पूरा, ये ऐसे हटेगा नहीं क्या, चलो कोई बात नहीं। इसको क्या चीज अंडू करूं, ये फिर तो नाइस, टक टक टक, जय माता की। चलो जय माता की, ये खत्म हुआ, ये समझ में आया सबको है ना। अब ये चीज बताओ मेरे को, ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है सबको, G20 दिमाग में आते ही कुछ कीवर्ड अपने फिट हो रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे देखो इसके अंदर, द ट्रायोका वुड बी इंडिया, इंडोनेशिया एंड इटली। बेटा अब इसके बाद इंडिया जो है लास्ट ईयर किस में आया था, G20 ट्रायोका के अंदर। अभी अगला जो है, अगला कहां पर होने वाला है आपका, ब्राजील के अंदर होने वाला है आपका। तो अब जो इंडिया के साथ आया है ना वो कंट्री, लास्ट ईयर इंडिया किसमें था, लास्ट ईयर G20 के ट्रायोका अगर हम बात करें, ये बच्चों को डाउट हो सकता है, ये हम कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 21 की। इसमें क्या था आपका, इटली में हो गया, वहां पे डन हो गया इटली के अंदर। अगला स्टार्ट हो गया कहां पर, इंडोनेशिया में, और उसके अगला कहां पर आपका, इंडिया के अंदर। तो G20 का ट्रायोका क्या बना था, ये वाला आपका, ठीक है। अब क्या है, अब में हो चुका है, ठीक है, और इंडिया में आपका चल चुका है, और होगा कहां पर आपका, ब्राजील के अंदर। तो G20 के ट्रायोका में अब ये बताओ, ये तीनों कंट्रीज जो है ना, ये कौन सी कंट्रीज है आपकी, डेवलपिंग इकोनॉमीज, ये कौन सी आपकी बेटा
ये विकासशील देश हैं आपके। अब G20 ट्रायो का कोई हमसे पूछे तो 21 का ये है, 22 का आपका ये रहेगा। और G20 में ग्रुप होते हैं तो ग्रुप नंबर 2 के अंदर है आपका इंडिया, ग्रुप नंबर 2 में इंडिया है, साथ में कौन है अपने की कुछ ऐसा हो गया आजकल देख लेना एक बार, उसके अलावा रशिया और साउथ अफ्रीका। चलिए क्लियर सबको इतनी चीज, G20 के ट्रायो का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना, ब्राजील, यहां पे लिखा भी हुआ है। द थीम फॉर द 17th G20 समिट वॉज रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। बताओ क्लैरिटी मिली इस चीज की सबको, अच्छे से क्लियर हुआ सबको। अब फटाफट इसका रिवीजन नोट्स बना देते हैं साइड में, ठीक है। अब G20 अपने को कभी भी दिखेगा तो हम स्टार्टिंग से लेकर चले कि G20 को स्टार्टिंग से उठाते हैं। अच्छा, इसका कारण क्या था, 90s का दशक जो था उसमें क्या है आपका फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी, इसके लिए कब बनाया आपका 99 में क्या बन गया आपका G20 बन गया। इसका मेन काम क्या आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करना। नई दो चीजें और ऐड करी इसके अंदर, एक तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और एक आपका क्लाइमेट चेंज, ये चीजें हमने इंट्रोड्यूस कर दी इसके अंदर। फिर उसके बाद G20 की अगर हम बात करें आपका, इंडिया में पहली बार प्रेसिडेंसी आई है इसकी, इंडिया में 18 समिट होगी इसकी, जहां पे इलेक्शन वाली जगह होगी वहां पर आपका अलाउड नहीं होगा समिट होना। आपका मेन फोकस कहां पर रहेगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। 80% क्या है इनके पास अपना GDP ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद अपने को क्या पता है कि 57% क्या है आपका वर्ल्ड ट्रेड ही लोग करते हैं आपका। और G20 का ट्रायो का क्या है आपका, इंडोनेशिया, इंडिया और आपका ब्राजील, ये क्या हो चुका है आपका G20 का ट्रायो का। फटाफट ये शॉर्ट नोट जल्दी बना लो, शॉर्ट नोट सबके पास बने होने चाहिए हर एक टॉपिक के। कौन सा G20 एंड, हाँ नहीं, UNSC फर्स्ट जन से शुरू होगा, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट जन से शुरू होता है हमेशा। बेटा वोटिंग हो गया होगा बट जो स्टार्टिंग होता है ना हमेशा वो फर्स्ट जन से होता है, एक बार चेक कर। नहीं मंथली मेंबर, मंथली चेयरमैनशिप आती है उसके पास, इंडिया के पास आई थी अगस्त में, दिसंबर 22 में आई है, एक बार क्रॉस चेक करो। इंडिया वापस बनने के लिए जा रहा होगा बट अभी मैंने नहीं सुना इसके बारे में ना मैंने पढ़ा है। चलिए बताओ क्लियर हुआ सब लोगों को ये, अरे थैंक यू जसबीर सर, थैंक यू सो मच। क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं सबको, वीडियो ना लाइक कर दिया करो, तुम्हारा कोचिंग है और इससे ना फायदा मिलता है, हम लोग उसमें ऊपर आते हैं, जो एल्गोरिदम है ना यूट्यूब का, जो लाइक वीडियो होती है वो ऊपर आती है। अब दुश्मनी लेकर बैठोगे तो गलत होगा, एक बार क्रॉस चेक मैं देख लेता हूँ एक बार, इसके बाद अगर हुआ तो ऐड कर देंगे। कौन सी वेबसाइट पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बोल, मल्टी, हाँ वेरी गुड। दिसंबर 1 को इंडिया ने दो चीजों की प्रेसिडेंसी अज्यूम किया भैया, एक है आपका UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर कितने होते हैं बच्चों आपके, 15। इसमें 5 क्या होते हैं आपके परमानेंट, 10 क्या होते हैं आपके नॉन परमानेंट। 5 के पावर पास होती है वीटो पावर, कोई भी डिसीजन पूरा करवाने के लिए 5 का होना और 9+ वोट्स आपका एक साइड में आना जरूरी है किसी भी डिसीजन को वेरीफाई आपको करवाने के लिए। जब इंडिया अगस्त 21 में था अगस्त 21 में जब इंडिया चेयरमैन बना था आपका, तब इंडिया का मेन फोकस था आपका मैरीन लॉ के ऊपर। इंडिया ने बोला कि मैरीन लॉ के ऊपर क्या करें हम लोग आपका काम करें, तो वो अंक्लोज हो गया टेल्विक प्रिंसिपल हो गया और एक अपना था सर क्रीक लाइन, तो इनको एक बार रिकॉल कर सकते हैं हम लोग। अब की बार देखते हैं मेन फोकस क्या रहा, ये बस बता दिया सवन ने अभी अपने को बताया, तो इसमें एडिशनली जो भी चीजें ऐड करनी होंगी वो हम लोग कर लेंगे। बताओ यार अच्छे से क्लियर हो गया क्या सबको,
मेरे को ना दिमाग में फिट चाहिए पूरा का पूरा, सबके दिमाग में एकदम करारा। इधर देखो अच्छे से, 1 दिसंबर को कौन सी प्रेसिडेंसी मिली अपने को? G20 की। एक बार और रिवाइज करो, 1990 में क्या था आपका? फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया, 1999 के अंदर आपका बन चुका था। 2009 में उन्होंने क्या बोला, हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। और क्या ऐड कर दिया? क्लाइमेट चेंज। और क्या ऐड कर दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पूरी दुनिया का 80% ग्रोस वर्ल्ड प्रोडक्ट इनके पास है, 59 से 77% वर्ल्ड ट्रेड इनके पास है। G20 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक ग्रुप और है आपका, जिसका नाम क्या आपका? G7, जो कब बना था आपका? 75 में G6, 76 में आपका G7, ठीक है। 19 प्लस यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना। इसके मेंबर कौन कौन नहीं है आपके? स्पेन नहीं है, सिंगापुर नहीं है, और आपका UAE इसका मेंबर आपका नहीं है। बताओ क्लियर हुआ है सबको? चलो नेक्स्ट आगे आ जाओ, बस कुछ भी भूल मत जाना। G20 का ट्रायो का 21 का अलग था, 22 का अलग है। G20 का ट्रायो का कौन सा है? इंडोनेशिया, इंडिया और फिर क्या आपका? ब्राजील है। और ये तीनों की तीनों क्या आपकी? डेवलपिंग कंट्रीज हैं। तो अपना G20 का ट्रायो का ठीक चल रहा है आपका। इंडिया ग्रुप 2 के अंदर आता है, जिसके मेंबर कौन कौन है आपके? इंडिया, टर्की, रशिया और आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। और पूरी दुनिया, टर्की को देख के कुछ याद आ रहा है? नाम चेंज कर लिया। और सबसे ज्यादा माइग्रेटिंग लोग जो हैं वो कहां पर आए आपके? टर्की के अंदर आए आपके, ठीक है। 90 प्लस, ये फिर पूरा हमने इसका रिवीजन देख लिया। बताओ यार अच्छे समझ में आ गया सबको? ठीक है चलो, अब अगली हम बात देखते हैं। यहाँ पर अगला है आपका, ये ऋषि सुनक ने अपनी फॉरेन पॉलिसी ना बड़ी अग्रेसिव कर दी है। कौन है ऋषि भाई सुनक? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक। क्या है? 47th PM। अच्छा ठीक है, 47th PM, 47 में हमको आजादी मिली थी लोगों से। अभी ऋषि सुनक की यहां पर बात करिए। ऋषि सुनक जो है ना वो कोस रहा है किसको यहां पर आपके? चाइना को। इसने बोला है कि जो हमारा हनीमून पीरियड है इनके साथ खत्म हो चुका है, और चाइना ने जो बीबीसी के रिपोर्टर्स के साथ किया वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने सोचा था कि हम कमर्शियली अगर अटैच हो जाएंगे ना, कॉमर्स से हम लोग जो है सोशल अटैचमेंट की तरफ बढ़ेंगे। क्या होता है देखो, कहीं पर भी ना अगर आपको रिश्तेदारी बनानी है तो अगर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो सोशली आप लोग अट्रैक्ट हो जाते हो। आपने देखो बहुत सारे देश क्या करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम रखते हैं। नेपाल के साथ हमने देखा, आपने ओमान के साथ देखा कि उनके कुछ लोग आते हैं यहाँ पर, यहाँ से कुछ लोग जाते हैं, ताकि ट्रेडिंग फैसिलिटी आपकी जैसी है वैसी चलती रहे, फिर थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। बट चाइना के साथ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। हम यहाँ पर बात करें किसके? आपके यूके की। यूके की अगर हम लोग बात करें आपका, यूके जो है आपका, यहाँ पर जो है ऋषि सुनक आपके कंट्री के तीसरे पीएम बने 50 दिन के अंदर अंदर। ये ऋषि सुनक जो भाई साहब है ना, किंग चार्ल्स से ज्यादा प्रॉपर्टी पैसा जो है वो किसके पास है आपके? इनके पास। इनकी जो बीवी है वो कौन है आपके? इंफोसिस के चेयरमैन की बेटी आपकी जो है वो कौन है आपका? इनकी वाइफ है। पैसा इनके पास खूब है और बहुत ही दबंग आदमी है। और इन्होंने जो रेस्टोरेंट्स है, मतलब आप ऐसा मान के चलो कि सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ आपके? एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टूरिज्म और आपका रेस्टोरेंट कोविड के अंदर। इन्होंने क्या किया, उनको मोटिवेट किया, उनके लिए स्कीम्स निकाली और इकोनॉमी को वापस पाथ पे लाने के लिए किसने काम किया? आपके ऋषि सुनक ने। और इसीलिए लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया कि दैट ही इज द मैन जो देश को भी चला सकता है। जो आदमी अच्छा करेगा लोग उसको ऑटोमेटिकली ऊपर लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये ऋषि सुनक जी जो है, एक बोरिस जॉनसन और एक मैडम लिज ट्रूस, आपके दोनों के बाद कौन बने अभी आपके यहाँ पर? ऋषि सुनक। ऋषि जी जो है इन्होंने अभी पानी पी पी के गाली दिया किसको? आपके चाइना को। अब जो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और कुछ चीजें मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं जो मुझे याद आई या रिलेटेड चीजें हैं वो प्लीज हम लोग एक बार देखेंगे इसके अंदर, क्लास के अंदर। दोबारा से बोल रहा हूं कि अगर तुम लोग ना पेन कॉपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो क्लास के बीच में तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो और बहुत बड़ा नुकसान है। और मैं ये बोलूंगा कि सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है, हमारा भी है नुकसान इसके अंदर, क्योंकि आप जब लिखते हो, एक बार सुनते हो और एक बार फिर रिवाइज करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका 3 बार आप एक टॉपिक के टच में आ जाते हो। तो कृपा करके जिनको भी तैयारी करनी है, लास्ट के 15 दिन बहुत बढ़िया होते हैं। जीवन में तुमने जो भी उखाड़ा है ना, जिस भी पेपर में उखाड़ा है, लास्ट के 15 दिन में ही उखाड़ा है ना। ऐसा तो नहीं है कि पूरा साल, बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा साल पूरा काम करते हैं। ज्यादातर बच्चे वो हैं दुनिया में जो लास्ट में आके पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर विश्वास नहीं खोना, पूरी की पूरी पढ़ाई करते जाओगे,
कुछ नहीं पता किसका सिलेक्शन आपका हो जाए फाइनली एनएलयू के अंदर, ठीक है। चलो अब अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। यहां पर देखो एक बार, इंडिया और यूके के रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। भारत और यूके का रिलेशनशिप कैसा है, हम सबको पता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहां से निकला आपका, यूके से। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतनी सारी जो चीजें हैं वो सारी कहां से आई आपकी, यूके से। कॉन्स्टिट्यूशन पे इन्फ्लुएंस मिलेगा यूके का, एजुकेशन पे मिलेगा, इनफैक्ट आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे भी इन्फ्लुएंस किसका मिलेगा आपके इंडिया में, यूके का। क्योंकि अगर हम बात करें आपका 1600 में एज अ व्यापारी आए थे लोग हमारे देश में, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो भाई लोग ये वो लोग हैं जो आपका 1857 इनफैक्ट 1858 में ना डायरेक्ट रूल इन्होंने किया है इंडिया के ऊपर, 1858 से 1947 तक। तो जो लोग लगभग 90 सालों तक हमारे ऊपर डायरेक्ट रूल करके गए हैं उनका इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है मकाले जी से बहुत प्रभावित सिस्टम है आपका। और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई ये इसलिए बताया क्योंकि अपने को समझ में आएगा कि अच्छा जो यूके है वो अपना दुश्मन नहीं है। फिल्मों के अंदर जो दिखाया गया कि अंग्रेज आते थे पकड़ के ले जाते थे, हंटर मारते थे, काम कराते थे, उसमें बड़ी कम सच्चाई है। अंग्रेज लोग ना एक ही चीज में इंटरेस्टेड थे हमारी, किसमें, रोकड़े में। उनको कोई मतलब नहीं था, वो औरतें भी नहीं छेड़ते थे, दे आर जेंटलमैन। बहुत ही कम अंग्रेज ऐसे थे जो आपके घटिया प्रवृत्ति के थे, वो उनको सिर्फ एक चीज से मतलब था, किससे, रोकड़े से और सस्ती लेबर से। ये लोग सस्ते में काम कर लेंगे, कोई वॉर हो गया तो इन लोगों को उठाकर ले चलेंगे, सस्ती जाने इनका काम वहां पर हो जाएगा। इसमें कमीने लोग थे बट वो उनका मेजर फोकस क्या था आपका, ट्रेडिंग, उनका सिर्फ ट्रेडिंग पे ध्यान था आपका। अब इधर देखो, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द यूके इन इंडो पैसिफिक। अब जिन लोगों ने ना इंटरनेशनल रिलेशनशिप एक बार लगाया है उनको वापस से समझ आया होगा कि अरे इंडो पैसिफिक है क्या। आज के टाइम पे अगर हम लोग देखें तो सारी की सारी स्टडी, सारा का सब कुछ जो है ना वो आपका कहां पर फोकस्ड है, आपका इंडो पैसिफिक की तरफ। अब ये इंडो पैसिफिक इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, इंडो पैसिफिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि चाइना के बिल्कुल नीचे ना आप आ जाइए तो वहां पर ना रुक जाओ, ये वाला बेस्ट रहेगा इधर से, आया, हाँ आ गया, ठीक है, चलो इसको साइड में कर दें। ये साइड में कैसे होगा अभी, ठीक है, अरे यार क्या ये अरे गुड जॉब, थैंक यू सो मच। चलो इधर देखो, इसको ध्यान से समझेंगे हम एक बार, ये पूरा इंडो पैसिफिक का स्यापा है क्या और पूरी दुनिया इसी के बारे में बात क्यों कर रही है। ध्यान से देखो एक बार इसको, ये यहां पर आपका इंडिया तो अपने को पहचान है अपने देश की, तो है ना, ये इधर सीएलएमवी कंट्रीज हैं और अपने ऊपर कौन सा देश बैठा होगा, चाइना। चाइना ने क्या कर रखा है, यहां पर ना इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रखी है उसने, यहां पर क्या बना रखा है आपका, 9-line। अब चाइना का ये मानना है कि 9-line पे किसका कब्जा है, हम लोगों का, ये अपना डोमिनेंस दिखाता है। ताइवान के साथ भी ये लड़ेगा आपका, ताइवान के साथ पंगा लेकर रखेगा। अब इस पूरे रीजन के अंदर ना डोमिनेट भी करता है और ये इंडिया को ना, इंडिया के आसपास हर देश में इसने खूब इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ठीक है। इसको एक टर्म भी दे रखी है इंडिया ने कि श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने, बांग्लादेश में भी चल रही है, म्यांमार के अंदर भी चल रही है, थाईलैंड में भी चल रही है, पाकिस्तान तो पूरा ही खरीद दिया बोट ऑपरेशन से। इंडिया इसको क्या बोलता है आपका, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ठीक है। अब इंडिया को इन्होंने ऐसे लपेट के रखा हुआ है, इनकी बिल्कुल बगल में ना, जैसे इंडिया का टॉप यहां पर है ना तो इधर पड़ेगा आपका नॉर्थ कोरिया की साइड में, थोड़ा सा नीचे की साइड में आपका जापान। जो जापान है, जापान का इनके साथ डिस्प्यूट किसमें चलता है आपका, एक जगह पे चलता है इनका डिस्प्यूट आपका, इनका डिस्प्यूट चलेगा आपका एक जगह पे जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड। अब इसमें भी इनका डिस्प्यूट है, ठीक है। और जो यूएसए है, यूएसए बोलता है कि भाई तुम लोग जो है ना इस पूरे रीजन के ऊपर जो तुम ये कब्जा करना चाह रहे हो ना, ये हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। इसी कंटेक्स्ट में क्या बना आपका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएस, जापान,
इन सबको जोड़ करना एक ऑर्गेनाइजेशन आपकी बना दी गई जिसका नाम क्या आपका क्वाड। ठीक है, अब क्वाड के अंदर देखा गया कि इंडिया और जापान ना बिल्कुल ही इतने ब्रेव नहीं हो सकते कि डायरेक्टली लड़ लें किससे आपके चाइना से, तो क्वाड ने क्या किया, क्वाड माइनस इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, माइनस इंडिया कर दो, इन्होंने क्या बनाया आपका BDN ब्लू डॉट नेटवर्क, एक रेटिंग एजेंसी कि हम क्या करेंगे आपका रेटिंग देंगे जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं। ये जो मैंने बनाया ना स्ट्रिंग ऑफ पल्स इंडिया को काउंटर करने के लिए, इन्होंने इंडिया को नहीं, इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट बना रखे हैं और इन सारे प्रोजेक्ट को रेटिंग कौन देगा आपका ब्लू डॉट नेटवर्क। आपसे कोई पूछे कि ब्लू डॉट नेटवर्क का काम क्या है, इंडो पैसिफिक के जितने भी आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए एक रेटिंग एजेंसी का नाम क्या है बच्चों आपका ब्लू डॉट नेटवर्क। बताओ क्लियर हुआ सबको ये चीज, ये क्या है आसान भाषा में आपका एक रेटिंग एजेंसी, और किसको रेटिंग मिलेगी यहां पर आपके इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली चाइना को अटैक किया, फिर क्या किया इसके अंदर आपका, इसमें यूएस ने यूके को उठाया और साथ में किसको उठाया ऑस्ट्रेलिया को, मतलब क्वाड में से हमने क्या किया, क्वाड के अंदर से माइनस कर दिया किसको आपका, माइनस इंडिया और माइनस जापान और प्लस किसको कर दिया यूके को, और अपने पास क्या बन गया AU KUS। बताओ ये समझ में आया सबको चीज। ठीक है, उस साइड में चाइना ने क्या काम किया, चाइना ने इन सबके साथ ना फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करने का फैसला किया। ये मैं ऐसे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इसके अंदर सब कंट्रीज हैं आपका, इसके अंदर एशियन नेशन है, जापान है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है याद रखना, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, सब है। अब चाइना का इनिशिएटिव यहां पर क्या मिला, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बना आपका, इन्होंने बनाया RCEP ट्रेडिंग के लिए। RCEP में कौन नहीं आपका, इंडिया नहीं है। अब यहां पर IPEF ये किसने बना दिया आपके, USA ने। RCEP किसने बनाया था आपके, ये चाइना लेड था और ये क्या है आपका US लेड है। बताओ ये सारी चीजें रिकॉल हुई क्या अपने को, क्या हमको आराम से समझ आ रहा है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वाड है बट क्वाड के अंदर बात नहीं बन पाई आपका, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया आपका, क्वाड के अंदर जब बात नहीं बन पाई तो यूएस ने क्या किया, क्वाड में से इंडिया को माइनस किया तो क्या बना BDN, और अगर उसने इंडिया और जापान दोनों को माइनस करके यूके को ऐड कर दिया तो क्या बना बेटा आपका AU KUS। ये क्या है आपका, इसके अंदर क्या होगा आपका, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। किसको मिलेंगी यहां पर सबमरीन्स, ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी, और कौन देगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया को, ये USA प्लस UK, ये दोनों के दोनों आपका प्रोवाइड कराने वाले हैं। बताओ ये डायग्राम बिल्कुल दिमाग में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बार हम लोग IPF भी कर चुके हैं, बहुत बार हम लोग BDN भी कर चुके हैं, RCEP भी कर चुके हैं, मेरे ख्याल से अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा सबको। एनी डाउट, किसी को भी कोई डाउट हो इसके अंदर, पक्का क्लियर हुआ ये चीज तो। हाँ, स्ट्रिंग ऑफ पल्स का मतलब है बेटा कि इंडिया के चारों तरफ इतना हैवी इन्वेस्टमेंट करो, बाकी लोगों के पास इतना पैसा डाल दो कि इंडिया की इन्फ्लुएंस जो है इस रीजन में आपका ग्रेजुअली रिड्यूस कर जाए। इस मेथड का नाम इन्होंने रखा है कि आपका स्ट्रिंग ऑफ पल्स। क्लियर हुआ? हाँ जी, बोलिए क्या, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव टर्म है कि चाइना जो है बाय 2049 वो लोग चाहते हैं हम पूरी दुनिया से कनेक्ट कर जाएं आपका बाय 2049, क्योंकि 1949 में उनको आजादी मिली, बाय 2049 उनका प्लान है वो सबसे आगे निकल जाएं। ऑन दी अदर हैंड जो BDN है, BDN एक इनिशिएटिव है क्वाड माइनस इंडियन कंट्रीज का, जिसके अंदर क्या होगा आपका, जो जो प्रोजेक्ट्स आपके लोग बनाएंगे इस रीजन के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर, उसका उसको रेटिंग कौन देगा आपका, ब्लू डॉट नेटवर्क। इनफैक्ट इस BDN का मेन काम क्या होगा, IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के थ्रू जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स होंगे उसका भी मिनिमम स्टैंडर्ड कौन सा होगा आपका, BDN स्टैंडर्ड्स। बताओ क्लियर हुई ये चीज सबको, पक्का बताओ क्लैरिटी आ गई सबको इसके बारे में या नहीं, यस और नो, गुड। ठीक है, इसका बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में उसमें YouTube पे सब कुछ पड़ा होगा तो वो मिल जाएगा सबको। ये रिवीजन के लिए मैंने बोला, बस तुमको क्लियर कर दूं ना ये सारा मैं इसके ऊपर से, नहीं तो नहीं सारा नहीं, रेजर से ही करूंगा यार, फिर मेरे ख्याल से पुराने वाले भी हट जाते हैं ना।
पिछली स्लाइड का भी हट जाता है ना, तुमने ट्राई किया? अच्छा फिर बोलोगे सब कुछ बर्बाद हो गया, सारे नोट्स चोरी हो। और अपने नोट्स बिल्कुल ध्यान से रखना, हर साल एक बच्चा आता है जो रोता हुआ बोलता है कि मेरे नोट्स चोरी हो गए। कई बार तो सच बोलते हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, खत्म हो गया ही। अरे अच्छा, बेइज्जती मत कराओ यार, पैसा लगाओ इसमें। बस बेटा बस, वो मत बोल जो तू बोलना चाह रहा है, ठीक है? बोलने लायक हो जाओ पहले। वो पैसे है ही नहीं तुम्हारे पास, तो अभी तो घर वालों के हैं पैसे सारे, दुख हो रहा है इस बात का। चलिए बताओ, क्लियर हो गया सब बच्चों को? अच्छे से समझ में आया? अब वापस आ जाओ इसके अंदर। हम लोग थे आपका कहां पर, इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर द यूके इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक अब कभी भी दिमाग में आएगा, इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का नाम सुनते ही क्या क्या कीवर्ड दिमाग में आने चाहिए? चाइना ने क्या किया यहां पर, आपका सबसे पहले 9-line बना डाली, ठीक है? इनके पास 9-line है। उसके बाद इसका जो काउंटर किया आपके यूएसए ने, यूएसए ने क्या क्या बनाया इसके लिए आपका, यूएसए ने क्या बनाया, BDN ब्लू डॉट नेटवर्क प्लस क्वाड बनाया इसके लिए, प्लस और क्या बनाया इसके लिए, IPEF, और क्या बनाया आपका, AUKUS। बताओ क्लैरिटी मिली सबको? अच्छा, 9-line के अलावा इनका कमर्शियल प्रोजेक्ट कौन सा आपका, RCEP, ये क्या आपका, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बताओ ये क्लैरिटी मिल गई सबको? इस पूरे रीजन के अंदर, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, इंडिया, जापान, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे क्या हैं आपके, कॉमन एनिमीज ऑफ चाइना, चाइना के अगेंस्ट हम सारे लोग हैं आपका। द यूके इज अ रीजनल फोर्स इन द इंडो पैसिफिक विद नेवल बसेस, सॉरी नेवल बेसिस इन ओमान, सिंगापुर, बहरीन, कीनिया एंड ब्रिटिश इंडियन ओशन, ठीक है? ऑफेंडर सच एज विजय माल्या, नीरव मोदी एंड अदर हैव अ लॉन्ग सॉट रिफ्यूज इन ब्रिटिश सिस्टम डिस्पाइट ऑब्वियस इंडियन केसेस रिक्वायरिंग एक्स्ट्राडिशन। अब एक्स्ट्राडिशन को हिंदी में कहते हैं प्रत्यार्पण संधि। एक्स्ट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यार्पण। प्रत्यार्पण क्या होता है कि अगर हमारे एक ऑफेंडर उधर गया तो भैया उसको प्लीज आप वापस भेजो। अब अंग्रेज लोग क्या बोलते हैं, दे बिलीव इन ह्यूमन राइट्स। वो किसमें बिलीव करते हैं आपका, ह्यूमन राइट्स। वो कभी अपने बच्चों को मारते भी नहीं। हाँ, उनका ये रूल है कि बच्चों को कभी भी नहीं मारना। भारत में कहीं ऐसे बच्चे थे जो बिना कुटाई के ठीक हो ही नहीं सके, और ये सच्चाई है, मैं सच बता रहा हूं। बहुत सारे ऐसे, आई सिंसियरली बिलीव कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए, बट देर इज अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी कुटाई ना हो तो वो नहीं मानते, और मैं उनमें से एक था। तो मेरे मास्टर ने और घर वालों ने खूब कूटा मुझे। इधर देखो, ह्यूमन राइट्स है यहाँ पर आपका। ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें तो यूके के लोग ना इसको बहुत सीरियस लेते हैं बेटा। यूके ने क्या बोला सबको कि ठीक है आप हमारे देश में आए हो, इन लोगों ने क्या किया, इंडिया से अगर 2,000 करोड़ रुपए उठाए तो इन्होंने क्या किया, 200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कहां कर दी, यूके में। इन्होंने बोला कि हम यूके के लोगों को जॉब दे रहे हैं, प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया वहां पर। अब ये वहां का बिजनेसमैन बन चुका है, नीरव मोदी भी, विजय माल्या भी। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे घोटाले कर रखे हैं, बैंक बर्बाद हो चुके हैं, पीएनबी के लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, इनको वापस भेजो। ये लोग क्या बोलते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के मामले में हमको पता है, आप हमको गारंटी दो कि आप इनको जेल में बंद नहीं करोगे, इनको मौका दोगे पूरा। क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? हालांकि किसी को ये नहीं पता कि विजय माल्या का कसूर क्या है, बट सब क्या चाहते हैं, विजय माल्या का होना चाहिए, अमीरों से नफरत। ये बड़ी कॉमन ट्रेट है भारतीयों के अंदर कि अपने से अमीर आदमी जो है उसने 2 नंबर का ही काम किया होगा आपका, सब चाहते हैं वो जेल में जाए, बट ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारा काम करता है कौन आपका, यूके, इसलिए वो अपने को एक्स्ट्रा एडिशन करने नहीं देता। बताओ ये क्लियर हुआ सबको? मतलब पूछते हैं मोदी जी उनसे कि भैया कुछ सोचे इस बारे में, एक्स्ट्रा एडिशन के बारे में, तो सुनक साहब बोलते हैं कि सोचेंगे, अभी इमीडिएटली नहीं सोचा बट सोचेंगे जरूर, ठीक है? बताओ क्लियर हुई ये चीजें सबको? अच्छा नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट का मतलब है ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से आपके बाहर निकलने के प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं आपका, ब्रेक्सिट।
अब जो ब्रेक्सिट है उसको थोड़ा सा समझ के चलो। ब्रेक्सिट अपने को बता रहा है कि अपने को बाहर निकलना है किससे, यूरोपियन यूनियन से, ठीक है। यूरोपियन यूनियन से बाहर आने का फायदा क्या होगा, इनका ऐसा मानना है कि एक्सेसिव माइग्रेशन है, हम नहीं चाहते हमारे देश के अंदर इतने लोग आए, हम इनका यही विचार है, हमारे देश में महंगाई पहले से बढ़ी हुई है और अगर और लोग आ गए तो बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राइसिस आ जाएगा। इन्होंने 2011 नहीं 2000 यहाँ पे लिखा हुआ देखो 2016 में क्या कराया, रेफरेंडम, जिसके अंदर ज्यादातर लोगों ने 52% लोगों ने क्या बोला, यस, कि ब्रिटेन को क्या ले लेना चाहिए, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, तलाक इनको ले लेना चाहिए। यहाँ पर 52-48 से यहाँ पर रहा आपका ब्रेक्सिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसका नाम क्या था आपका, डाइवोर्स बिल, कि आपका डाइवोर्स हो रहा है किसके साथ, आपके पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन के साथ, दैट द यूके मस्ट पे टू द यूरोपियन यूनियन टू सेटल ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। अब आप ऐसा समझो कि कोई आपके बिजनेस में आया, मेरे को कोई आकर बोले मुझे आपके बिजनेस में आना और मुझे 1 करोड़ रुपया लगाना है, मैं उसको बोलूंगा भाई देख आ तो जा, बट जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी 5 साल के बाद, क्योंकि 1 करोड़ का पहली बात तो मेरे पास प्लान नहीं है कि मैं खर्च कैसे करूंगा, दूसरी बात यह है कि 1 साल में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इतनी बड़ी ग्रोथ आप नहीं लेकर आ सकते, ये बिल्कुल ही आपका रेफरेंस बेस्ड सिस्टम है। 10 ईयर्स तो बूम होगा, 5 साल तक आप जो है शांति से आपको बैठना पड़ेगा, तो मैं लूंगा कम से कम कितने साल उससे, 5 साल। अब यहां पर क्या है, ये जब इसके अंदर आए ना तो यूरोपियन यूनियन का जो स्ट्रेंथ था ना वो बहुत बड़ा था, ऐसा मान के चलो कि अशोक गहलोत आकर बोले मुझे इसमें पार्टनरशिप चाहिए। अब अशोक गहलोत जब आया तो सेंटर का वजन बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, सेंटर का वजन भाई बढ़ गया, सेंटर क्या बोल रहा है आपका कि भाई अशोक गहलोत का सेंटर है, वहीं पर चलो कोचिंग लेने के लिए, कि सीएम साहब अपना नाम तो खराब नहीं करेंगे। अब क्राउड आना शुरू हो गया, बट 2 साल के बाद अशोक गहलोत ने बोला कि ओके टाटा बाय बाय, तो उससे लॉस किसको होने वाला है, मुझे, तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई कुछ कंपनसेशन जो है ना, अगर आप जाओगे और पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट के जाओगे तो मुझे आपको क्या देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कंपनसेशन। और ये सब कहां पर मेंशन था आपके डाइवोर्स बिल के अंदर, बताओ क्लियर हुई ये चीज सबको। ओके रीसेंट ब्रिटिश इकोनॉमी की हम लोग यहां पर बात करते हैं आपका। बिटवीन Feb 2021 and August 2022 यूएस गैस प्राइस रोज फास्टर देन एनी अदर पीरियड, ये गलत है, इसके अंदर पहले भी हो चुका है ऐसा आपका। The pound sterling but not lose, एक मिनट रुको, is true. Britain has the third largest, नहीं ये true होगा और ये भी गलत है, ये तो गलत हो गया ना, डॉलर के मुकाबले स्टेबल नहीं है आपका pound sterling, ये स्टेबल नहीं है। साथ में Britain has the third largest GDP, नहीं Britain third नहीं है, सबसे पहले पे आता है USA, सबसे बड़ी इकोनॉमी किसकी आपके, USA की, उसके बाद कौन है आपका, UK, चाइना, उसके बाद कौन आएगा आपका, चाइना, चाइना के बाद कौन आ रहा है, नहीं रशिया नहीं है, जापान, मैं लिख के लेके आया हूं सब, जापान है, फिर आपका जर्मनी है, फिर आपका इंडिया है, फिर कौन है आपका, यूके है, फिर कौन है आपका, तेरे को रशिया का क्या शौक चढ़ा है, रुक जा रशिया क्या, हाँ इकोनॉमिक साइज ना, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। इंडिया का कितना है, $3 trillion भी नहीं है। अब देखो जीडीपी क्या होती है, इकोनॉमिक साइज, इंडिया का कितना आपका, 3 trillion नहीं है, $2.6 trillion है, पहले 2.77 होता था, कोविड के बाद डिक्रीज हो गया। यूएसए का पता है कितना, $19 trillion, पॉपुलेशन मेनी फोल्ड कम है, और ये देखो तुम कितना ज्यादा है, मतलब 6 गुना से ज्यादा क्या है आपका, हर आदमी के पास पैसा आपका कहां पर, आपके यूएसए के अंदर है, नहीं अमीर यूएसए आपका, तो इसीलिए लोग यूएस जाते हैं आपका, बताओ क्लियर हुआ सबको, यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और फिर कौन है आपका, इंडिया, 2-3 साल लगेंगे अभी किसको सरपास करने में आपके, जर्मनी को, अभी जर्मनी नहीं हटेगा क्योंकि इंडिया 2.6 पे है, तो जर्मनी लगभग 3.6 पे आपका, और जर्मनी तो इतू सा देश है और हम लोग फैला पड़ा है देश अपना पूरा, पता ही नहीं बच्चों को, कैपिटल पूछ लो ना मणिपुर क्या है, ये मणिपुर हमको नहीं पता, बेटा हम ये मान के चल रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो वो काम भी करेगा, वो प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा, प्रोडक्टिविटी आती है तो आपका ऑटोमेटिकली गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बननी शुरू हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लग जाए, तो ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़ेगा। मोदी जी बोल रहे हैं ना बार बार मेक इन इंडिया, देखो इधर, मुझे तो तीनों ही गलत लग रहे थे वैसे, बट ब्रिटेन हैज द थर्ड लार्जेस्ट, ये तो गलत हो गया, पाउंड स्टर्लिंग अच्छा नहीं कर रहा है,
ये फास्टर देन एनी अदर पीरियड गैस प्राइसेस यहाँ पर आपके, मतलब फ्यूल का प्राइस आप मान के चलो आज तक का सबसे ज्यादा जो है वो फरवरी 2021 से अगस्त 2022 के बीच में सबसे ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हुआ, ठीक है। डैश इज एन इकोनॉमिक कंडीशन कॉज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयड एंड राइजिंग प्राइसेस। मतलब आप ये मान के चलो ऐसी सिचुएशन जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और उसके साथ क्या आ रहा है आपका, इन्फ्लेशन आ रहा है। यूजली क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट मंदी के दौर में आती है कि मंदी चल रही है, नौकरियां नहीं है आपका, अभी कौन सा टाइम है, यही तो आ रहा है। आप क्या सुन रहे होंगे अभी, अगर न्यूज़पेपर कोई पढ़ रहा है देख रहा है कि बायजूस ने इतने लोगों को हटा दिया, वेदांतो ने इतने लोगों को हटा दिया, ठीक है, अन अकेडमी ने इतने लोगों को हटा दिया, फिजिक्स वाला अभी हायर करना शुरू किया। कारण क्या है, फिजिक्स वाले को अभी अभी फंडिंग मिली है, दे जस्ट रेज द मनी, उन्होंने लगभग 100 करोड़ से ऊपर अमाउंट जो है उन्होंने अभी अभी क्या किया आपका, रेज किया। वैसे तो 800 करोड़ की टोटल फंडिंग उनके पास प्रेजेंट है। जब आपके पास इतना सारा फंडिंग होगा तो आप क्या करोगे, एक्सपेरिमेंट्स, और आप लोगों को हायर करोगे। बट जैसे 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 सब कुछ रियलिटी पे आता है, बच्चे कौन सी एजुकेशन पसंद करेंगे, ऑनलाइन के ऑफलाइन, ऑफलाइन एजुकेशन चलेगी ही चलेगी भाई आपका। अगर ऑनलाइन एजुकेशन चलनी होती ना, ये मेरे को एक पहले एक कोचिंग अलग था हमारा, तो उसके अंदर एक सर थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि अगर ऑनलाइन ना हमेशा जिंदा रहेगा, एक व्यक्ति है जो बोले कि ऑनलाइन तो बूम आ गया, अब तो ऑनलाइन ही चलेगा और कुछ चलेगा नहीं। उन्होंने बोला कि अमेरिका ना हमसे 20 साल आगे है और वहां पर ऑलरेडी ऑनलाइन एजुकेशन है अवेलेबल, और वो अब तक नहीं कर पाया कुछ भी। और आपको पता है ड्रॉप आउट रेट कितना ऑनलाइन एजुकेशन में, एक रिपोर्ट पड़ी थी मार्केटिंग के ऊपर आती है एक रिपोर्ट, उसमें बोला गया कि 96% ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट अटेंटिव व्हाइल टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन। एंड मुझे पता है सब लोग अग्री करेंगे इस बात पे कि जब आप ऑनलाइन ले रहे हो ना तो आप ऐसे पढ़े हो नो मैटर व्हाट, कितना इंटरेस्टिंग। और ऑनलाइन में एक और प्रॉब्लम है, क्लास में तुम्हारे साथ मजाक कर लिया, मजे कर लिए थोड़े से, आधा घंटा कर लिया, बट अगर ऑनलाइन में ऐसा हुआ तो आप बोलोगे अरे यार सर तो अभी कुछ कर रहे हैं और किसी के बजा रहे हैं, तो रहने दो, फोन को साइड में रख दो, और इतने में आदमी को आ गई नींद और सो गया वो आदमी, ठीक है। तो आपका ये कंडीशन, ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये आया था, ऐसा एम्प्लॉयमेंट था ना कि ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है, जाएगा ही जाएगा। इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया गया कि भाई आप काम कर लो। इन्फ्लुएंसर क्या थे, किसी ने भी कुछ उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल दी, वो इन्फ्लुएंसर बन गया। बार्टर सिस्टम, उनको लगा कि कई लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बोला कि हम ना इन्फ्लुएंसर बन गए, वो इन्फ्लुएंसर बन गए सच में। बट जैसे ही ऑनलाइन की दुनिया खत्म हुई, क्या अनअकैडमी, क्या ये बायजूस, अब इनके पास पैसे बचे हैं उनको देने के लिए, बचा ही नहीं पैसा, पूरा का पूरा उनका धंधा क्या हो चुका है, चौपट हो चुका है। जब पढ़ना था तब उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, तो पूरा का पूरा ये सब मिलके क्या बनाता है आपका, स्टैगफ्लेशन। बताओ ये चीज क्लियर हुई। अब हम इंडिया और यूके की अगर बात करें तो लास्ट ईयर, मतलब इसी साल की मैं बात कर रहा हूं, अक्टूबर के महीने की, इंडिया जो है रैंक्ड सेकंड, ये लिख लो सब लोग, इंडिया रैंक सेकंड इन इन्फ्यूजिंग एफडीआई इन यूके। भाई भारत जो है यूके में एफडीआई डाल रहा है और इंडिया दूसरे नंबर पे आता है यूके में पैसा डालने में। एफडीआई पता है सबको, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपका, और इसके अंदर इंडिया कौन से नंबर पर है आपका, दूसरे नंबर पे, किसमें डालने में आपका, यूके के अंदर। अच्छा, यूके एंड इंडिया दो ही ऐसी कंट्रीज हैं G20 से जो टॉप 10 के अंदर आई हैं, कहां पर आपके, CCPI में, क्लाइमेट चेंज टॉप 10 इन CCPI। और ये हो गया अपना, अच्छा अब हमारी एक्सरसाइजेस भी हम देख लेते हैं इनके साथ ना। एक एक्सरसाइज है हमारी अजय वॉरियर, ये इनके साथ कौन सी एक्सरसाइज अपना, ये याद रखना है मिलिट्री का एक्सरसाइज है, ठीक है। और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम क्या है, कॉन्कर्ड, ये भी 2022 की है, ये भी क्या, ये है आपकी नेवी एक्सरसाइज। रिनी मेहता का भी दिमाग सही चल रहा है वैसे, B3W बिल्कुल ठीक है। बताओ क्रिस्टल क्लियर है सबको या नहीं,
कौन थे गोलू? अच्छा ठीक है, इंडिया एंड यूके के बीच में बेटा। हाँ, बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? चलिए, अभी तक हमने दो टॉपिक अपने पूरे कंप्लीट कर लिए। पहला टॉपिक क्या था? G20। अच्छे से क्लियर है? अब तो किसी को समझा भी सकते हो। और यूके वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है? इंडिया दूसरे नंबर पर आता है एफडीआई डालने में। सुनक भाई साहब पानी पी पी के गाली दे रहे हैं किसको? आपके, चाइना को। और एक चीज और लिख लो कि बाय 2023 ऑल 5G कंपनीज ऑफ चाइना, चाइना की ऑल 5G कंपनीज ऑफ चाइना विल बी आउट ऑफ यूके। इनको बाहर किया जाएगा कहां से? आपके यूके से। 2023 तक आपकी, अच्छा 5G कंपनीज की अगर बात करें तो दो ही मेजर है इनके पास भी, एक का नाम है हुआई और एक का नाम है ZTE। एक वाई है और एक कौन सी आपकी? ZTE। ये ऐसा मानने में आया है, सब लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये ना अपना डेटा शेयर करती हैं अपने देश के साथ। कौन सी बेटा? वाई एंड ZTE आर 5G इक्विपमेंट कंपनीज। 5G कंपनीज के मतलब 5G के जो भी इक्विपमेंट है ना, वो कौन बना रहा है पूरे दुनिया के अंदर? आपका एक वाई और एक आपका ZTE। और इन दोनों को बाहर कौन निकाल रहा है? आपका यूके। यूके का एक और इनिशिएटिव है, चलो होमवर्क देके देखते हैं तुमको। चार चार लाइन का होमवर्क है, फाइंड आउट व्हाट इज डी टेन। हमने G7 पढ़ा, हमने G20 पढ़ा, आपने G4 भी देखा होगा, बट यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आपके D10 की। और भी कुछ किसी को यूके से रिलेटेड कुछ भी याद आए ना तो बता देना, हम लोग सारी चीजें करेंगे क्विज के अंदर। और क्विज में मल्टीपल टाइम के लिए एक्टिवेट रखूंगा, निवेदन रहेगा सब लोग क्विजेस को रेगुलरली देते रहे, ठीक है? उसको देते रहोगे तो उसमें से काफी कुछ तुमको मिल जाएगा। ये क्या है? सबसे आगे तुम में से पता है कौन निकलेगा? सबसे आगे वो बच्चा निकलेगा जो जैसे ही क्लास खत्म होगी ना, तुरंत उसके बाद क्या करेगा? रिवाइज करेगा। जो उसके तुरंत बाद रिवाइज करता है वो सबसे आगे निकल जाता है, और कम मेहनत के साथ। तो जिनको कम मेहनत करना पसंद है उनके लिए सच में बहुत बढ़िया। जैसे ऑलमोस्ट सारी ऐसे हैं मेरे ख्याल से कम मेहनती, इन दो तीन को छोड़ के। चलो बताओ बच्चों, क्लियर हुआ यहां तक? अब हमने दो पैसेजेस कर लिए हैं, सच सच बताओ अच्छे से उसको रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? 30 सेकंड के लिए करना एक बार रिकॉल फटाफट, 30 सेकंड। कमेंट सेक्शन में लिख दो एक ही बार में G20 और इसके बारे में सब कुछ, फटाफट जल्दी से जल्दी, पेशेंस के साथ लिखना एक बार अच्छे से जो भी तुमको समझ आया।
चलिए, वेरी गुड, रजत साहब ने लिख दिया है, श्रीजा ने सिर्फ G20 लिखा है, क्या हो गया? अदिति देवी, रैंडम कुकी कौन है ये? चलो जो भी है, चलो ठीक है, आगे बढ़े हैं बेटा। अब हम बात कर रहे हैं कौन से देश की, आपके जापान की। अगला देश कौन सा अपने पास? जापान। अब जापान के बारे में मेरे ख्याल से आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि पूरी दुनिया में सूर्य उदय का देश, लैंड ऑफ सनराइजिंग, कौन सा है आपका? जापान। लैंड ऑफ सनराइजिंग कौन सा है आपका? जापान। जापान से सूर्य उदय होता है। कई कवियों ने भारत के अंदर भी लिखा है सूर्य उदय का देश है भारत, शायद रामधारी सिंह दिनकर जी ने गलती से लिख दिया था, तो दिनकर जी जो है वो फ्लो फ्लो में निकल गए थोड़ा सा आगे, क्या नहीं, इंडिया नहीं है, जापान में सबसे पहले सूर्य उगता है। ये बात ना आदमी को चौथी पांचवी क्लास में पता होती है कि लैंड ऑफ सनराइजिंग क्या आपका? जापान है। तो जापान में क्या होता है आपका? सूर्य उदय होता है बेटा, आपका सनराइज यहां पर हुआ। और पूरी दुनिया में जो आपका एज की हम बात करें और हेल्दी लोगों की बात करें, वो भी कहां पर है आपके? जापान के अंदर। बट हमसे ये तो पूछेगा नहीं कि सबसे हेल्दी लोग कहां पर है। जापान एक ऐसा देश है जो भारत के साथ बड़ा क्लोजली अटैच रहा, स्पेशली एट द टाइम ऑफ एक पर्सन जिसका नाम क्या है, शिंजो अबे। अब ये शिंजो अबे क्या है आपका, अबे ही याद रखना इसको। शिंजो अबे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी इकोनॉमिक्स बनाई और इसने बोला अपनी इकोनॉमिक्स को एबेनॉमिक्स। इसने क्या बोलना शुरू किया अपनी इकोनॉमिक्स को? एबेनॉमिक्स। अब इसने इसकी एबेनॉमिक्स क्या थी? इसने महिलाओं का इक्वल पार्टिसिपेशन, आपका डिस्क्रिमिनेशन दूर करना, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करे। और सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक, मतलब अपनी आजादी के बाद लॉन्गेस्ट टाइम तक कौन रहा आपका? लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ जापान, ये कौन है आपका? शिंजो अबे। अभी अभी इनका क्या हुआ आपका? असैसिनेशन। इस प्रधानमंत्री को आपका, जब ये प्रधानमंत्री नहीं था तब इसको क्या किया गया? एक गोली मार दी गई और इनकी क्या हो गई आपका? डेथ हो गई। जापान के साथ भारत का रिश्ता ऐसा है, पूरी दुनिया में ना एक जगह है जिसका नाम क्या है बच्चों आपका? क्योटो। क्योटो जो है वो है मंदिरों का शहर। जैसे अपना बनारस है ना, बनारस है आपका, वाराणसी भी जिसको हम बोल देते हैं आपका वाराणसी, वाराणसी भी मंदिरों का देश है बच्चों, क्योटो भी मंदिरों का देश है। तो ये दोनों क्या बनी आपकी? सिस्टर सिटीज। इनको क्या बना दिया गया आपका? सिस्टर सिटीज। ये दोनों सिस्टर सिटीज बनी और क्योटो का रेप्लिका बनाने की कोशिश करी किसको? आपके वाराणसी को। जो लोग वाराणसी में 10 साल पहले गए और जो वाराणसी में अभी जाएंगे आपका, उनको डिफरेंस नजर आ जाएगा कि वाराणसी कितना डेवलप हो चुका है। जो बीच में ना मंदिरों को लोगों ने अपने घरों के अंदर कर लिया था कैद, अब क्या है कि जो अंदर आपका महादेव का टेम्पल है, जो वहां पर काशी विश्वनाथ का जो टेम्पल है, पता है ना काशी विश्वनाथ का टेम्पल क्यों फेमस है? जो मतलब उसके तो माइथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बट ये याद रखो कि वहां पर ना उसको तोड़ने के लिए औरंगजेब आया था। जो शिवलिंग है ना उसके ऊपर उसने तलवार भी चलाई थी, उससे निशान भी पड़ा है उसके ऊपर। उसके ऊपर फूल डाल के रखते हैं, जब आप उसके ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको वो कट भी फील होगा। वहां पर आपका पूरी दुनिया में कुछ ही मंदिर थे जो, सॉरी पूरे इंडिया में कुछ ही मंदिर थे जो किससे बच गए थे आपके? औरंगजेब से। औरंगजेब वैसे एक ऐसा आदमी था जिसने, जिसके बारे में सिर्फ ये बताया जाता है कि उसने मंदिर तोड़े। वो पता है कैसा आदमी था? उसने मस्जिदें भी तोड़ी। हमको क्या बताया गया? सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन, कि उसने सिर्फ और सिर्फ क्या तोड़े? मंदिर। वो अपने आप को क्या बोलता था? जिंदा पीर। उसका ना ही वाज अ वन साइडेड फ्रस्ट्रेटेड लवर। सच बात है ये, वन साइडेड फ्रस्ट्रेटेड लवर था। उसने मंदिर भी तोड़े, मस्जिद भी तोड़े। अजंता एलोरा की गुफा में ना एक भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसपे उसने तलवार ना चलाई हो। पगला इंसान था वो, और मंदिर हो, मस्जिद हो, अपना बाप हो, उसने सबको मार डाला। उसका नाम क्या था आपका? औरंगजेब। पगला था वो एक नंबर का, और उसने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया, गाना बजाना कहीं पर भी दिखा, और उसने बोला कि झरों का दर्शन बैन करो। कल में जैसे गीता में श्लोक होता है, कुरान में क्या होता है? कलमे होते हैं लिखी, तो उन कलमों को पढ़ना उसने क्या, सिक्कों पे लिखना क्या कर दिया? बंद कर दिया। वो पगला था, बट उसके, औरंगजेब का एक फायदा था पूरे देश को। औरंगजेब पावरफुल बहुत था और उससे अंग्रेज भी डरते थे। अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई थी पूरे के पूरे दिल्ली पे कब्जा लेने की। जब 1707 में वो मरा ना, 1707 में औरंगजेब मरा, उसके बाद अंग्रेजों की हिम्मत हुई कहां पर आपका? दिल्ली की तरफ आने की। तो आपका जो औरंगजेब था वो खतरनाक था, बेवकूफ था, और उसने क्या किया? ऑलमोस्ट सारे धर्मों का क्या था वो आपका? दुश्मन था। ठीक है, चलो
1707 में मरा था, ये याद रखना। और एक्चुअल में आखिरी मेन मुगल कौन था आपका? औरंगजेब। कोई पूछेगी लास्ट मेन मुगल कौन था आपका? औरंगजेब। ठीक है, अभी इधर देखो आप, यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शिंजो भाई अबे। सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू शिंजो अबे हैज हेल्ड द सेकंड लॉन्गेस्ट टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो सेकंड की बजाय अपने को पता ही ये क्या है आपका, सेकंड को हटा देंगे तो लॉन्गेस्ट सर्विंग हो गया, अभी अभी डिस्कस किया। By implementing his economics, इसकी economics का नाम क्या आपका? Economics। कोई पूछे कि क्वाड किसके दिमाग की उपज थी, जो एक क्वाड के बारे में हम लोग बात करते हैं ना, ये भी किसके दिमाग का उपज है आपका? इन्हीं भाई साहब के दिमाग का उपज था आपका। Enjoyed an enormous popularity, पूरे देश के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी थी। Under Abe's leadership, ties between and India and Japan were neutral। अच्छा नहीं, ये is true about अच्छा सेकंड तो ट्रू है, सेकंड ही ट्रू है, तो थर्ड तो गलत हो गया ना। अंडर एबे लीडरशिप टाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान वर न्यूट्रल। नहीं, न्यूट्रल कहां, इन्होंने हमको कौन सी टेक्नोलॉजी दी? बुलेट ट्रेन के अंदर एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम क्या आपका? शिनकासेन। इंडिया की बुलेट ट्रेन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी ना बेटा, उसका नाम क्या आपका? शिनकासेन नामक टेक्नोलॉजी है जो यूज होगी। उसकी स्पीड आपकी बुलेट ट्रेन की इंडिया में कितनी रहेगी आपका, मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 350 किलोमीटर पर आवर चलेगी। कहां से कहां तक? वो आपका अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक। इसमें टोटल स्टेशन कितने आएंगे? 12 स्टेशन आएंगे टोटल, बीच में आपस में 12 स्टेशन आएंगे, और दो स्टेट आएंगी और एक यूटी आएगी, दादरा एंड नगर हवेली। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। इंडिया में बुलेट ट्रेन आपका 5 साल लगेंगे अभी लगभग आपके, बट इंडिया में बुलेट ट्रेन आपका आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज सबको? और सस्ता लोन भी इसने दिया किसको आपके? हम लोगों को, आपका इंडिया को। आइडेंटिफाई द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु वाज असैसिनेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग। इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, इसका एक और लड़का था जिसका नाम क्या था? राजीव। राजीव का भी क्या हुआ था? असैसिनेशन। वीपी सिंह का क्या हुआ था? एनसीएम, बेइज्जती मुंह पे, मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन। पहली बार जो नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटाया गया उसका नाम क्या था आपका? वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने कार्यकाल में ही इनकी डेथ हो गई थी। चलिए बताओ, क्लियर हुआ ये चीज यहां तक सबको? भारतीय प्रधानमंत्रियों की लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस सेंक्शन कोनोट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट? Whoever incite or attempt to incite hatred or contempt towards the government established by law, भाई ये तो sedition का आर्टिकल सबको बताओगा क्या है ये? 124A of IPC। चलिए, which of the following is true about Shinzo Abe contribution to Japan development? आपका rewriting of Article 9। अब इनको ना यूएस ने पकड़ कर, इनकी गर्दन पकड़ के बोला कि तुम अपनी आर्मी वार्मी मेंटेन नहीं करोगे और तुम अपनी आर्मी को कहीं बाहर ऑपरेशन के लिए नहीं भेज सकते। ये कौन से आर्टिकल में आपका? आर्टिकल 9 के अंदर। बट ये क्या बोल रहा था कि नहीं, आर्टिकल 9 को जो है हटाना पड़ेगा, हमको अपनी मिलिट्री मेंटेन करनी पड़ेगी और अब हमें औरों को भी क्या करना पड़ेगा, असिस्ट करना पड़ेगा। ये कौन बोल रहा था आपका? शिंजो अबे। He was passionate about establishing Japan as a leader in the Indo-Pacific region's rule-based order. बिल्कुल ठीक बात है। Reconstruction after the earthquake was supervised by his government. बिल्कुल ठीक है। सारी बातें ठीक है ना इसमें? यहाँ पर आप किसको लेकर आ सकते हो? Quad को। इसके दिमाग की उपज क्या है आपका? Quad। Which of the following is not true about Shinzo Abe's relationship with India and its contribution? अच्छा, इसको पद्म विभूषण भी दिया हुआ इंडिया ने। ये भी लिख लो। He was also served पद्म विभूषण। इसको क्या दिया हमने आपका? पद्म विभूषण। इसको मिला है पद्म विभूषण। चलिए, हाई स्पीड रेल लाइन, बिल्कुल ठीक बात है। द मुंबई पुणे बुलेट ट्रेन विच एम्प्लॉय जैपनीज टेक्नोलॉजी। भाई मुंबई पुणे की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? मुंबई अहमदाबाद। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मुंबई अहमदाबाद।
अबे अज्यूम्ड लीडरशिप ऑफ जापान इंडिया एसोसिएशन वन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज अज्यूम्ड इन 1903. ही मेड कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्वाड एशियन लेड कॉन्फ्रेंसेज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव एशिया अफ्रीकन ग्रोथ कॉरिडोर एंड कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. सारे ठीक है बट पहला क्या है, सॉरी रॉन्ग कौन सा आपका, ए आपका गलत है, बाकी दोनों क्या है आपके ठीक है. बताओ क्लियर हुआ ये सबको. अब जापान अगर दिखे तो जापान के साथ हमारी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी आपकी, धर्मा गार्डियन. धर्मा गार्डियन कौन सी आपका, मिलिट्री की एक्सरसाइज है, ये है मिलिट्री एक्सरसाइज. शिन्यू मैत्री भी नहीं के साथ है ना, एक बार गूगल करना शिन्यू मैत्री नहीं के साथ है क्या, नहीं है. और शिन्यू मैत्री जिम एक्स बिन के साथ है, 2022 में ही हुई है. जिम एक्स हो गया और मालाबार तो है ही है, वो तो पता होगा सबको. मालाबार में कौन है, यूएसए ऑस्ट्रेलिया इंडिया और जापू. चलो कौन सी मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, जिम एक्स भी नेवल एक्सरसाइज है, शिन्यू मैत्री है ना, ठीक है शिन्यू मैत्री भी है. शिन्यू मैत्री लिखते जाना फटाफट जो भी कराया जा रहा है. नहीं ये नेवल एक्सरसाइज है बेटा, ये भी नेवल एक्सरसाइज है, धर्मा गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, शिन्यू मैत्री एयरफोर्स वाली एक्सरसाइज है. चलिए डन डन एवरीवन. जापान वाला समझ में आ गया सबको, ठीक है. फिर उसके बाद आती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की बात. अच्छा जापान वाला जैसे ही दिखेगा तो जापान से रिलेटेड क्या क्या समझ में आया अपने को. अभी लेटेस्ट क्या हुआ आपका, डेथ हुआ है किसका, आपके शिंजो अबे का डेथ हो गया. और शिंजो अबे जिसका डेथ हुआ इसको कौन सा अवार्ड मिला हुआ है आपका, पद्म विभूषण. तो विभूषण लिख दूं सीधा इनको, तो आप याद रखना दिमाग में कि पद्म विभूषण शिंजो अबे भाई साहब हैं आपके. इनकी इकोनॉमिक्स का नाम क्या था आपका, एवेनॉमिक्स. और इन्होंने कौन से आर्टिकल को हटाने की बात करी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल 9 को हटाने की बात करी थी. उसके बाद अगर हम लोग बात करें जापान की तो इन्होंने अपने को कौन सी टेक्नोलॉजी दे दी बच्चों आपका, शिनकासेन. शिनकासेन टेक्नोलॉजी कहां किसके अंदर यूज होगी आपके, बुलेट ट्रेन के अंदर. बुलेट ट्रेन के अंदर कितने स्टेशन है, 12 स्टेशन, 2 स्टेट है और एक क्या है आपका यूनियन टेरिटरीज के अंदर आएगा आपका. और इनके साथ अपनी जो एक्सरसाइजेज हैं कौन कौन सी आपकी, शिन्यू मैत्री कौन सी आपका एयरफोर्स की, उसके अलावा मालाबार और एक और है जिम एक्स आपकी, ये दोनों कौन सी आपकी नेवी की एक्सरसाइजेज हैं. और आपका मिलिट्री की कौन सी आपका, धर्मा गार्डियन. धर्मेंद्र अपना गार्डियन है और रहता नेपाल में, ऐसी याद रखी जाएंगी चीजें. शॉर्ट नोट्स बनाना सीख लो, उससे बहुत जल्दी रिवीजन हो जाता है. ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है, एटलीस्ट कॉन्फिडेंस तो रहेगा तुम्हारे अंदर पेपर में जाकर, कह रहे कुछ तो बचेगा जीवन में, खुश हो. हाँ बिल्कुल सही कहे सर आप. चलो बेटा अगली बात है लिवेबिलिटी की. अगर लिवेबिलिटी की हम बात करें तो लिवेबिलिटी का मतलब क्या है कि भैया आप जो है एक जगह पर रहने के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसके अलावा अच्छा अगर अपने को जयपुर को मोस्ट लिवेबल सिटी बनाना है तो आपको क्या लगता है क्या करना होगा. पहले तो जो द्रव्यवती नदी जो कि नाला है उसको सच में नदी की तरह ट्रीट किया जाए, नदी को देवी की तरह नहीं नदी की तरह ट्रीट किया जाएगा तो नदी साफ हो जाएगी, है ना. तो उसको नदी की तरह अगर उसको साफ कर दें तो अच्छा माहौल रहेगा यहाँ पर आपका. उसके अलावा मॉरल साइंस पढ़ाई जाए बचपन से, तो आपको ये सड़क पे गलत कट मारते हुए लोग लड़ते हुए गालियां माँ बहन चल रहा है जो आपका, ये सब मॉरल साइंस कंपलसरी कर दो तो ये सब कुछ आपका ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, है ना. सड़क पे चलते ये मेरे साथ बहुत बार जाता है अंकित, सड़क पे ऐसे ऐसे पापा के परे पापा की परियां मिलती है ना,
वो ऐसे कट मार के जाते हैं ना सामने से। परियां और परे दोनों ही खतरनाक हैं भाई, परे भी बहुत खतरनाक होते हैं। तो आपका लिवेबल अगर आपको किस चीज को बनाना है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट इंपॉर्टेंट वहां का, और वहां का सैनिटेशन सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। क्या इंडिया की सिटीज इसमें बढ़िया फेयर करेंगी या बेकार डूबने वाली हैं? बहुत बुरे से हम लोग डूबे हैं। देखो पूरी दुनिया में इंडिया से 5 सिटीज को उठाया था कि जो बढ़िया होंगी, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद और बैंगलोर। इन्होंने अपना डेब्यू किया, ऑल 5 ऑफ देम डिड पुअरली। भाई हम 173 देशों में ना 140 से 140 के बीच में ही आ गए सब। मतलब दिल्ली जो है वो सबसे बेस्ट सिटी है इंडिया के अंदर। दिल्ली में तुम जाओ ना तो पहले तो मुंह पे मास्क लगाना जरूरी, चाहे कोविड है या नहीं है। पॉल्यूशन भैया बहुत खतरनाक है, ऐसा लगता है 10-12 सिगरेट पी लियो आदमी ने। और उसके बाद आदमी ये बोलते चोरी चकारी कितनी ज्यादा है वहां पर। दुकान पे तुम खड़े हो ना, बोलेंगे भाई साहब फोन ना अपना थोड़ा सा टाइट पकड़ो, अभी भी कोई भी यहां से लेकर आपसे चला जाएगा। तो आपका मॉरल एजुकेशन वहां पर आपका खत्म हो गया। सड़कें वहां पर खराब, दिल्ली कैपिटल के अंदर भी सड़कें क्या आपका खराब है आपका, फिर भी दिल्ली के आपका सबसे बेस्ट है। फिर कौन सा आपका, मुंबई, चेन्नई, फिर अहमदाबाद, और बैंगलोर इज द सेकंड टू द लास्ट इंडियन सिटी, रैंक 146 विद अ स्कोर ऑफ दिस। अच्छा बैंगलोर वैसे इंडिया में ना बहुत लिवेबल सिटी मानी, बहुत ही शानदार सिटी मानी जाती है बैंगलोर और पुणे। जो आदमी चला जाता है ना जगह, उसको ऐसा लगता है कि भैया हम इंडिया में है ही नहीं, ये सच्चाई है। बैंगलोर और पुणे इतना बढ़िया माहौल है वहां पर, लोगों को अच्छा लगता है। बट जब बारिश हुई बैंगलोर में, सबको बताया वहां पर सब सत्यानाश हो गया, आपकी हर एक आदमी की गाड़ी में पानी घुस गया। और अगर इंजन खराब हो जाए, इंजन का इंश्योरेंस थोड़ी होता है, गाड़ियों के इंश्योरेंस होते हैं, इंजन के इंश्योरेंस आपके नहीं होते। आपका ठुक जाएगी गाड़ी तब कुछ होगा, अदरवाइज आपका उन सबको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ा। तो आपका बैंगलोर भी डूब गया, मतलब ड्रेनेज सिस्टम उसका भी पुअर है। Which of the following organization is directed by X in the passage? भाई X वो है जो इस रिपोर्ट को निकालता है, World Livability Index को। इसका नाम क्या आपका? European Intelligence Unit, EIU. EIU. इसका आपको ईयर फाइंड आउट करना है, कौन से ईयर में बना था आपका। वर्ल्ड बैंक को देखकर कुछ याद आ रहा है अपने को? 5 चीजों से मिलकर बनता है वर्ल्ड बैंक या 2 चीजों से? 2 से मिलकर बनता है, IBRD और IDA। ये क्या है? वर्ल्ड बैंक। और इसमें 3 चीजें और ऐड कर दें तो क्या बन जाता है आपका? वर्ल्ड बैंक का ग्रुप बन जाता है, ठीक है। जर्मन वॉच क्या निकालता है आपका? ये भी CCPI, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये निकालता है। फ्रेंच स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को अपने को पता नहीं, बट इतना याद है कि फ्रांस के लोगों को सबसे अधिक क्या मिले आपके? नोबेल अवार्ड है ना लिटरेचर, लिटरेचर में आपका फ्रांस सबसे ऊपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द टॉप 10 लिवेबल सिटीज अकॉर्डिंग टू द 2022 इंडेक्स? बर्लिन है ना इसका आंसर? वियना तो हमेशा आगे रहेगा, वियना, और एक है मेलबर्न। ये 2 सिटीज ऐसी है ना मोस्ट लिवेबल सिटीज इन द वर्ल्ड। कोई आपसे पूछे जनरली भी अगर आपको कहीं पे जाके बसना है ना पूरी दुनिया में, एक वियना और एक आपका मेलबर्न, 2 सिटीज आपकी सबसे बड़ी है। ऑस्ट्रिया के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया दोनों अलग देश हैं भैया आपके। ऑस्ट्रिया जहां पर हिटलर पैदा हुआ था आपका, वो ऑस्ट्रिया है आपका। वैंकूवर सबको पता होगा, जो पंजाबी क्राउड उनको तो पता ही होगा, ये कनाडा के अंदर है आपका, कनाडा के अंदर है। और बर्लिन किधर है आपका? चल और मनी हाइस्ट में भी है आपका। एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम किधर है आपका? नेदरलैंड के अंदर, ये भी बहुत बढ़िया जगह है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पैरामीटर्स ऑफ ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022? इसमें से ट्रू पूछा है, सारे हैं क्या इसके भी? तभी तुम लोग के नंबर बहुत अच्छा है इस मॉक में ना। द स्टेबिलिटी फैक्टर इज मेजर्ड ऑन द क्राइम स्टेटिस्टिक्स। मैंने बताया ना, हाथ में फोन लेके खड़े हो जाओ, गायब थोड़ी देर में। एंड अदर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, पीपल प्रेफर बींग सेफ एंड स्टेबल अबव ऑल। बाकी सब बातें बाद में, सबसे पहले कि आपका सेफ्टी। जयपुर में भी आदमी सेफ है नहीं है? जयपुर फिर भी ठीक है, जयपुर में रात को 2-3 बजे तुम आराम से घूम सकते हो, इस एरिया में नहीं, सी स्कीम में। ये गुजर की थड़ी है, ये मतलब दिल्ली से भी बुरा एरिया है, ठीक है, ये एरिया बुरा। बट अगर आप सी स्कीम में जाओगे और अच्छे राजा पार्क वगैरह में जाओगे तो वहां पे ठीक माहौल रहता है आपका। जयपुर में ऐसी हालत नहीं है इतनी बुरी, बट अगर आप दिल्ली में सोचोगे, दिल्ली में पॉसिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। मुंबई फिर भी सेफ है थोड़ा सा। द हेल्थ केयर पैरामीटर
include accessibility to good healthcare services, doctors, public and private hospital, and over-the-counter medicine, OTC ho gaya. The culture and environment brings several indicators like weather, quality of air, ye sab kuch iske andar hai aapka. Achha, Mumbai ko main achha bata raha tha, but ek unfortunate incident hua kahan par, Mumbai mein. Ek blogger thi South Korea se, usko uske saath bahut hi abhadr vyavhar kiya do ladkon ne. Khair unko police ne dhar liya. Phir do ladke aur mile usko ladki ko, un logon ne usko khana khilaya ki tu baith ek bar. और पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाई जाकर कि भाई पुलिस पे कंप्लेंट करते हैं, और उन दोनों लड़कों को आपका पकड़ भी लिया गया आपका. मतलब मेन प्रॉब्लम क्या, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उसमें अच्छे और बुरे आपको दोनों लोग मिलेंगे, बट सेफ्टी आपका वहां पर भी अवेलेबल नहीं मिला आपका. चलिए, द एक्स इंस्टीट्यूशन ऑल्सो रिलीज द फॉलोइंग इंडेक्स रिपोर्ट्स इन. अच्छा, ये किसके अंदर और निकालता है रिपोर्ट आपका? डेमोक्रेसी इंडेक्स भी आता है और आपका गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड इंडेक्स भी आता है. हम कौन से इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? आपका EIU. अब EIU तीन चीजें निकालता है, तो भैया इसका ईयर याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ईयर कौन सा इसका? 46, ठीक है. और हेडक्वार्टर कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं लोग? अंक टैड से याद रखना, वो 64 में है और ये 46 में है. क्या लंदन में है? ठीक है, चलो. अब ऋषि सुनक से अटैच कर लो इसको, इसको वहीं पे जाके हम लोग अटैच कर सकते हैं कि यहाँ पर यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट है जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स भी निकालती है, ब्रॉडबैंड इंडेक्स भी, और आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स भी निकालती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट 2022? कौन सी बात इसमें सत्य नहीं है? टाइपी, ठीक है, करेक्ट. मैंने लिखा भी है इन लिवेबिलिटी वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग, हांगकांग हैज टॉप द लिस्ट. आपका लिवेबिलिटी वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग, मतलब रहना और कॉस्ट ऑफ लिविंग का जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो उसमें सबसे ऊपर जो आएगा ना, वो कौन आएगा आपका? हांगकांग. हांगकांग उसमें सबसे ऊपर आया आपका, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग. द रिवाइज रैंकिंग इंक्लूड 172 सिटीज नॉट इंक्लूडिंग कीव आफ्टर द एडिशन ऑफ 33 न्यू लोकेशंस. There has been no change in the bottom of the list, which include the cities of Damascus. Damascus कहाँ की राजधानी है? तुम बताओ. अरे रुक जा तू, चल रुक जा. कहाँ की राजधानी है Damascus? जल्दी बोलो. तुम क्या ये आगे वहां कैसे देख रही हो? सीरिया, बिल्कुल. सीरिया की राजधानी क्या आपका? Damascus. एंड ट्रिपोली इन सीरिया एंड लेगोस एंड इबादान इन नाइजीरिया. यहाँ पे बहुत खतरनाक है. नाइजीरिया में ना बोको हरम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे के पूरे स्कूल को किडनैप कर लेते हैं वो लोग. हंसने की बात नहीं है, गर्ल स्कूल को किडनैप किया, उनको सेक्स स्लेव बना दिया, 8वीं 9वीं की लड़कियों को. बोको हरम ये तो सबसे घटिया ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा से भी खतरनाक है बोको हरम. बोको हरम का ऑर्गेनाइजेशन भैया अलग ही चलता है पूरा का पूरा. चलो, क्वालिटी ऑफ लाइफ वाले सारी चीजें याद हुई सबको. ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इतना इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है पहली नजर में देखा जाए तो, बट किसी इंडेक्स के साथ कंबाइन होकर मे बी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे आपका. देख लो फटाफट जल्दी से ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स आपका जो है. इसके अंदर हम लोगों ने देखा आपका कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसको निकालती है, आपका EIU यानी के यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट 1946, हेडक्वार्टर किधर आपका? लंदन के अंदर. उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड बैंक किससे मिलकर बनता है? IBRD और आपका IDA से. जर्मन वॉच किसको रिलीज करता है आपका? CCPI को. फिर हमने देखा कि भैया टॉप 10 में बर्लिन नहीं है, वियना, वैंकूवर है, एम्स्टरडेम है, सब कुछ आ गए आपके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, सबसे ऊपर किसको रखा गया आपके? क्राइम स्टैट को. उसके बाद एनवायरमेंट सब कुछ, जो देसी फंडे हैं वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड आपका कर दिया गया. उसके बाद इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की हमने बात करी, यहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स भी और आपका ब्रॉडबैंड इंडेक्स भी दोनों ये रिलीज करता है आपका. जो बॉटम है वहां पर कौन है आपका? Damascus एंड ट्रिपोली. और कौन है आपका? सीरिया, सॉरी लेगोस एंड इबादान इन नाइजीरिया. इसके अंदर 174, ठीक है. कॉस्ट ऑफ लिविंग का जब ग्राफ बनाएंगे आपका लिवेबिलिटी के साथ, तो उसमें आपका सबसे नंबर वन पे कौन है आपका? हांगकांग, ठीक है. हांगकांग के अंदर आपके 4 लॉ किसने लगा रखे हैं आपके? चाइना ने. हांगकांग की अगर बात करें तो याद रख लेना इसको, कुछ भी पुरानी चीजें पूछी जा रही हैं पेपर में. 1997 में
आपका यूके ने किसको दिया था, आपके ये चाइना को, इसको बोलते थे आपका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR। कंडीशन क्या थी? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी होना चाहिए इस एरिया के अंदर। साथ में क्या है आपका? सिविल लिबर्टीज, मतलब जैसे आप लगाकर चलो कि क्या चाइना में सिविल लिबर्टीज हैं? नहीं, बट यहां पर क्या गारंटी देना था आपको? सिविल लिबर्टीज की, लोग प्रोटेस्ट कर सके, अपने हक की डिमांड कर सके। बट जैसे ही उन लोगों ने डिमांड करना शुरू किया तो SAR जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था उसको तोड़कर यहां पर 4 सिक्योरिटी लॉ लगा दिए कि अगर कभी भी तुम लोगों ने यहां पर दंगा फसाद किया तो तुम लोगों को सीधा कहां पर डाला जाएगा? आपका जेल के अंदर। चाइना ने इसके ऊपर कब्जा आपका जमा लिया। चाइना का क्या था ये आपका? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जिसको 1997 में किसने दिया था? आपके यूके ने। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपका? यहाँ पर यूके भी इसको बोल रहा है कि भैया ऐसा मत करो, बट इन्होंने लगा दिए सारे लॉज यहाँ पर। इस देश का नाम क्या आपका? हांगकांग। और हांगकांग और दुनिया का सबसे बड़ा सी वो देखना, एक ना ब्रिज बना था, सी ब्रिज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, एक बार चेक करो। चाइना ने यहां से यहां तक बनाया था, मेरे को जगह याद नहीं हो पा रही, आ रही है अभी के लिए, जल्दी से। हांगकांग दो, एक बार मेरे को याद आ जाएगा देख के, दोनों फोन दो एक बार। हांगकांग जुआई मकाऊ, हाँ ये है हांगकांग जुआई मकाऊ ब्रिज है आपका, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है पूरी दुनिया का ये, हांगकांग जुआई मकाऊ। एक एक अपना नाम रख लेना पीजी में जाते हुए, तू हांगकांग, एक जुआई, एक मकाऊ, सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज हमारा हुआ। चलो बताओ क्लियर हुआ ये चीज सबको, सबके दिमाग में फिट, जो भी याद आए ना, और क्लास के बाद भी किसी को याद आए तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख देना कि ये चीज रह गई, तो जो लोग अपने साथ जुड़े हुए हैं उनका एटलीस्ट भला हो जाए। एक बहुत महान आदमी ने कहा था, कर भला तो हो भला, उस महान आदमी का नाम क्या है? प्रेम चोपड़ा। मूवी का नाम है पता नहीं, हीरो नंबर वन कुछ ऐसा ही है, राजा बाबू। चलिए बताओ क्लियर हुआ राजा जी, इतना सबको क्लियर। अब ये वाला पैसेज जो है ना, इसमें भाई कीवर्ड और मतलब भरमार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये अगला जो पैसेज है ना, इसमें तो मतलब शानदार बहुत सारी चीजें इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो सीओपी दिख गया, इसको देख के आंखें चमक जानी चाहिए अपना, ठीक है। उसके बाद शर्मल शेख दिखा, वेटलैंड्स दिख गए, बढ़िया, ये भी अपने दिमाग में आ गया, ठीक है। उसके बाद यूएनईपी दिखा, ये भी अपने लिए सही है आपका, ठीक है। और क्या दिख रहा है इसके अंदर? रामसार कन्वेंशन भी दिख रहा होगा, मेरे को पहले दिखा था, चलो होगा ना, मतलब रामसार, अरे कोई नहीं, रामसार कन्वेंशन हो गया, ठीक है। अब सारी बात किसकी हो रही है? एनवायरमेंट की। दिमाग में एनवायरमेंट को क्लियर करो, क्या क्या याद आ रहा है एनवायरमेंट को देखते। आईपीसीसी याद आया सबको? आईपीसीसी के बाद UNFCCC याद आया सबको? क्योटो प्रोटोकॉल याद आया? उसके अलावा पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी याद आया? INDC याद आया? NDC याद आया? ISA याद आया? ये सारा कुछ कराया जा चुका है। और कल वाली जो क्विज है ना, उसके अंदर यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, मतलब लगा कि चलो कि 30 से 35 क्वेश्चन तो सिर्फ एनवायरमेंट के ही ऊपर है। कोशिश यह मेरी कि दो तीन टॉपिक ना एक एक दिन छोड़ के पूरा हो जाए तुम्हारा। इधर देखो सबसे पहले क्या रिकॉल करोगे, इसमें पहले से ही रिकॉल लगाओ। आईपीसीसी का कौन सा रिपोर्ट आया अभी आपका? 6th असेसमेंट रिपोर्ट आया इसका, 3 ग्रुप होते हैं उसके अंदर, वो रिकॉल कर लेना। UNFCCC कब बना, कैसे बना, उसकी पूरी कहानी आपका। उसके बाद इसका सीओपी, सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग एजेंसी है, कौन से सीओपी के अंदर आपका क्या आया? क्योटो प्रोटोकॉल आया। उसके अलावा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है आपका, एक ओजोन से रिलेटेड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको याद रखना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद अपने को याद रखना है पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी, इसमें सबसे INDC साइन कराया जाता है, फिर जब हो जाता है तब उसको NDC बोलते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ग्लोबल मिथेन प्लेज आप रिकॉल करना, ग्लोबल मिथेन प्लेज, इंडिया इसका मेंबर नहीं है वैसे, ग्लोबल मिथेन प्लेज को आप रिकॉल कर सकते हो। इसके अलावा हाइड्रोजन इकोनॉमी को तुमको रिकॉल करना है, ये सारी चीजें लिखते जाओ। हाइड्रोजन इकोनॉमी को तुमको रिकॉल करना है कि हाइड्रोजन को हम ग्रीन हाइड्रोजन में इंडिया आपका क्या बनना चाहता है, आपका
मार्केट लीडर, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग को रिकॉल कर लेना है यहां पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग को तुमको रिकॉल करना है यहां पर पूरा। इसके अलावा तुमको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को रिकॉल करना है यहां पर, तुमको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को रिकॉल करना है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसको तुमको रिकॉल करना है। ये बहुत, इसमें बहुत सारा डेटा है, और अगर पढ़ लिया पेपर में एनवायरमेंट से आने के चांसेस तो हर बार ही है, नहीं आया तो उनका ही लॉस है, वो जनता से नहीं पूछ रहे अगर क्वेश्चन ऐसे तो तुम्हारा लॉस नहीं होगा कुछ भी, खुद सोचो ना, उन्हीं का लॉस है अगर वो एनवायरमेंट के नहीं पूछेंगे, अगले बच्चे पढ़ेंगे नहीं एनवायरमेंट के बारे में। कभी भी अपना लॉस मत देखो, ये देखो कि उसका ख्याल हो उस सामने वाले का। खुश रहने के लिए कुछ भी किया करो। चलो भाई लोग, अच्छे से क्लियर हुआ ये सब कुछ? ये सारे पॉइंट लिखे होने चाहिए सबके पास, ठीक है, और इन सबके ऊपर एमसीक्यूज भी आएंगे तुम्हारे पास, तो एमसीक्यूज को एक बार पूरा दबा के अच्छे से कर लेना, ठीक है। ऐप में ही दूंगा सारे के सारे, और बोलोगे तो उसका प्रिंट आउट का पीडीएफ तुमको दे दूंगा मैं, पीडीएफ से निकलवा लेना। बट कोशिश करना जितनी बार ऑनलाइन देते जाओगे ना, उसमें क्या होगा, अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई ना तो तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये वाला तो गलत है उसके अंदर। तो जब आप क्विज में बार बार देते जाओगे ना, उससे क्या होगा कि दिन में 3-4 बार एक क्विज दे दिया ना, तो क्वेश्चन अपने दिमाग में फिट हो जाते हैं, जिनकी ये प्रॉब्लम है ना कि सर याद नहीं होता, और थोड़ा सा और बताओ क्या पढ़ें। बताया ना मैंने कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं याद नहीं हो रहा सर और क्या पढ़ूं। मैंने बोला एक बार शीशे में ये चीज जा बोल, 30 सेकंड तक सोच, अगर जवाब ना मिले फिर वापस आ। चलो क्लियर हुआ बेटा इतना सबको? अब देखो इधर देख लो एक बार, अब ये नई चीज आ गई इसमें, रिसेंटली द यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 वाज को होस्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कीनिया एंड पोर्तुगल। एक देश है जिसका नाम क्या है, जिसको लिखते पोर्तुगल है, इंग्लिश मीडियम में पोर्तुगल पढ़ाते, पुर्तगाल नाम का एक देश है। पुर्तगाल से भारत के अंदर ना एक बंदा आया था, बिल्कुल पुर्तगाल से कौन आया था, 1498 में वास्को डिगामा इंडिया आया, ठीक है। अब समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वास्को डिगामा जब इंडिया आया ना, तो उसने क्या किया, वास्को डिगामा जैसे ही उतरा यहां पर, तो जेमोरियन रूलर ने उसका स्वागत किया, केरला के कोस्ट पे था वो, तो जैसे ही ये लोग उतरे ना, इन्होंने क्या किया, इसके साथ कुछ लोग थे, उन्होंने तंबाकू लिया ऐसे हाथ पे रगड़ा और ऐसे करने लगे, तो इंडियन लोगों ने बोला कि ये क्या चीज है ऐसे रगड़ने वाली, और फिर उन्होंने उठा के ऐसे लगा लिया और वो मदहोश। इंडियन ने बोला कि देना थोड़ा थोड़ा, जैसे ही वो लोग आए तो इंडियंस के दिमाग में भर गया, भाई साहब असली माल तो इन्हीं के पास है, भारत को क्या दिया इन्होंने, तंबाकू। और जो वर्ड है ना आपका टी वर्ड, टी वर्ड कौन सा आपका, पोर्टुगीज वर्ड है ये, और जो एक और चीज सुनो, इन लोगों ने आके ना इंडिया पे कब्जा किया था, ये क्या नाम है, जो मुंबई था ना आपका, मुंबई वगैरह पूरा, मुंबई गोवा का पूरा पोर्शन था, ये सब पुर्तगालियों के पास था, इन लोगों ने मुंबई को तो पूरा का पूरा दहेज में दे दिया था, मतलब पुर्तगालियों की महारानी की शादी हुई थी आपके इंग्लैंड के अंदर, तो उनको दहेज में आपका मुंबई मिल गया था पूरा का पूरा। हाँ ये सच्चाई है, ये पूरा का पूरा दहेज में मुंबई मिला था आपका। आपके जो पोर्टुगीज लोग थे, जो मुंबई में वड़ा पाव देखा है, वड़ा पाव बहुत फेमस है ना, तो इंडिया में जो ब्रेड आया ना, हमारे पास तो फ्लैट ब्रेड था, जो पाव की फॉर्म में आया था ना, वो भी कौन लेकर आए थे आपके, पोर्टुगीज लोग, ये पुर्तगाली लोग थे आपके, ये कौन है आपका, पुर्तगाली लोग। और वास्को डिगामा का तो सबको पता है, 1498 में आया था इंडिया के अंदर, सर्दियों का टाइम था, जैकेट उसने डाल रखा था आपका, और वो इंडिया पहुंचा था आपका, उसका नाम क्या आपका, वास्को भाई डिगामा, और ये केप ऑफ गुड होप से आया था, ये भी याद रखना, केप ऑफ गुड होप, वास्को अंकल। सोचो वास्को अंकल एक हाथ में तंबाकू ले रहे, एक हाथ में वड़ा पाव खा रहा है मस्त एकदम, और चाय भी पी रहे साथ में, है ना। ये टी वर्ड है, टी वहां से नहीं आई, टी वर्ड है बस एक आपका, ठीक है, टी एक पोर्टुगीज वर्ड है। क्लियर हुआ सबको ये? और यहां पर क्या आपका यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस आपका यहां पर हेल्ड हुआ आपका। अब देखो तुम पोर्तुगल को अगर मैप में देखे ना, मैप में दिखाऊं तुमको पोर्तुगल, पोर्तुगल काफी इंपॉर्टेंट है, पोर्तुगल देखना इसके आसपास के देश,
तुमको साफ दिखेगा कि इसके जो वेस्ट साइड है ना आपका, उस साइड में क्या पड़ेगा आपका, अटलांटिक ओशन। इधर देखो, आजा भाई, गुड। दो बार दबाना है क्या? अच्छा, इधर देखो एक बार, यह है पुर्तगाल आपका, ठीक है। पोर्टुगल को आप देखो बेटा, इस साइड में क्या है आपका, ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास, अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब पोर्टुगल की साइड में, इस साइड में क्या पड़ेगा आपका, स्पेन, और ऊपर की तरफ ये पूरा, इस साइड में क्या पड़ेगा आपका, फ्रांस। एक स्पेन है और एक फ्रांस है आपका, और दुनिया में और नीचे की साइड, इस साइड आ जाओगे तो यहां पर क्या पड़ेगा आपका, मोरक्को। इंडिया में वास्को डिगामा किधर से आया था, इधर से, सॉरी वास्को डिगामा इधर से नहीं आया था, अच्छा वास्को डिगामा तो इधर से ही आया था, इधर से मोरक्को से आया था इब्ने बतूता, मैं इंटरचेंज करने लग रहा था, इधर से कौन है बेटा आपका, इब्ने बतूता। और ये मैंने इसलिए तुमको मैप में दिखाया कि एक मोरक्को, ठीक है, और एक स्पेन और एक आपका फ्रांस, तीन ही ऐसे देश हैं जो आपका टच करते हैं मेडिटेरेनियन सी को भी और आपके किसको, आपके अटलांटिक ओशन को भी। तो आपको याद रखना है कि मेडिटेरेनियन सी को भी प्लस अटलांटिक को भी टच करने वाले दो तीन ही देश हैं आपके, एक का नाम क्या आपका, स्पेन, एक का नाम क्या है, फ्रांस, और एक का नाम क्या आपका, मोरक्को। बताओ क्लियर हुई चीज। पोर्टुगल की इकॉनमी कुछ साल पहले बहुत बुरे तरीके से डूब गई थी, बट पोर्टुगल ने अभी के लिए रिकवर कर लिया खुद को। चलिए क्लियर हुआ सबको ये चीज। अब अगला सवाल देख रहे थे हम लोग, रिसेंटली ये तो हमने कर लिया ना, ये कहां पर था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, पोर्टुगल, ठीक है। अच्छा, बेल्जियम को देख के क्या याद आ रहा है तुम लोगों को, वेरी गुड, नाटो का हेडक्वार्टर यहां पर है, ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर यहां पर है आपका, नाटो का आर्टिकल नंबर 5 याद होना चाहिए सबको। इनिशियली 12, इनिशियली कितनी कंट्रीज थी, 12, आज के टाइम पे कितनी आपकी, 30 कंट्रीज आपकी आज के टाइम पे एग्जिस्ट करती है, ये अपने को याद होना चाहिए। चॉकलेट के लिए बहुत फेमस जगह आपका बेल्जियम आपका, ब्रसेल जो है वहां पर एयर ट्रैफिक के मामले में भी पूरी दुनिया में सबसे नंबर पर, वन पे है वो सिटी आपका, ब्रसेल की कैपिटल है। और पोर्टुगल के बारे में तो हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, नेदरलैंड्स आपको याद ही रहेगा कि इनकी वजह से पाकिस्तान कहां पहुंचा आपका, वर्ल्ड कप के फाइनल में। और कौन सा था, यूके तो अभी अभी पूरा रटा है हमने, क्या क्या याद आ रहा है यूके को देख के, D10 याद आ रहा है भाई जी, याद आ रहा है, और फिफ्थ नंबर इन GDP, अच्छा फिफ्थ नंबर पे इंडिया आ गया GDP में, ठीक है बेटा, और सेकंड है ना FDI, वेरी गुड, इंडिया है सेकंड इन FDI, और ब्रेक्सिट हो गया, और रिकॉल करो D10 याद रहेगा, जो 10 डेमोक्रेसीज हैं, अच्छा ये होमवर्क था तुम्हारा। और क्या पढ़ा था हमने यूके से रिलेटेड, एक्सरसाइजेस कोंकण और अजय वॉरियर, दो एक्सरसाइज अपनी थी, ठीक है। रिकॉल करने से पेपर में बहुत आसान हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रीसेंट UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022, नन ऑफ द अबव, कौन सा, सी वाला, टेक एक्शन टू स्टॉप डीप सी माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स, ठीक है, इंक्रीज द ओशन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब CO2 बाय फोकसिंग ऑन कार्बन सीक्वेंस, अच्छा सीक्वेस्ट्रेशन, ईदर बाय इंप्रूविंग नेचुरल सिंक लाइक मैनग्रोव्स और बाय जियो इंजीनियरिंग इनिशिएटिव्स। इसके अंदर ये बोला गया कि भैया आप ना मैनग्रोव्स जब बनाओगे ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं आपके, अगर आपने वो बना दिया तो ऑटोमेटिकली मतलब जमीन के पानी के अंदर भी आपका क्या रहता है, फॉरेस्ट रहता है आपका, तो उससे आपको फायदा मिल जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा। या फिर जियो इंजीनियरिंग कुछ करो कि कार्बन इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। द सस्टेनेबल एक्सप्लोइटेशन ऑफ ओशन रिसोर्सेज वॉज एडवोकेटेड थ्रू द प्रमोशन ऑफ अ कोरल डील, कोरल डील के थ्रू इसको करने का कोशिश किया गया आपका। अब कोरल रीफ होती है आपकी, मतलब रीफ क्या है कि आपके जो कुछ एनिमल्स है ना वो क्या करते हैं, अपना कैल्शियम निकालते हैं अंदर से, उसकी वजह से जो कोरल है ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या बन जाता है आपका, रीफ बन जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ कहां पर है आपके,
ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये आपको याद रखना है। सबसे बड़े कोरल रीफ कहां पर है आपके? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। इंडिया में भी आपको मिल जाएंगे अंडमान निकोबार। स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं ना लोग, कि स्कूबा डाइविंग करने गए, वो देखा है फिल्मों में हीरो हीरोइन मुंह पे वो लगा के नीचे पानी के घूम रहे होते हैं, सांस चढ़ जाते हैं उसमें पूरा, काफी खतरनाक चीज है वो। चलो, अ ब्लू डील वॉज प्रमोटेड टू एनेबल द सस्टेनेबल यूज। आपका कौन सी डील हुई यहां पर? आपका ब्लू डील, ना कि कोरल डील। चलिए, द यूएन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 इज अलाइंड टू डैश लाइफ बिलो वॉटर एंड स्ट्रेसेस ऑन द क्रिटिकल नीड फॉर साइंटिफिक नॉलेज एंड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी टू बिल्ड ओशन रेजिलियंस। 13 किससे रिलेटेड है? 6 किससे रिलेटेड है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। और ये 9 इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिखवा रहे हैं। रुको एक बार, एक बार बोलो, एक बंदा बोलो। हाँ, इंडस्ट्री, आई क्यूब है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एंड इंफ्रा। 9 है तो आई है, आई भी वैसे भी 9th लेटर होता है ना, हाँ तो 9th लेटर है आई, इसे याद रख लेना, ठीक है। एल, ये तो याद होंगे सबको, कौन से नंबर पे आता है? इजोटी आता है ना सबको करना, ठीक है, बढ़िया। ये नहीं आता तो फिर एक काम करो, सो जाओ बेटा, अब तो मरने का थोड़ी बोला, पेपर पास आ गया, अब तो जी जाओ थोड़ा सा। SDG 14, ये किससे रिलेटेड है? अभी अभी किया हमने लाइफ वाटर। अच्छा, एक वो था ना इक्वालिटी वाला, 5 और 10 था ना, जेंडर इक्वालिटी 5 है और रिमूविंग द इनइक्वालिटी आपका 10 है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट है, डैश इज वर्ल्ड ओशन डे, द यूनाइटेड नेशन डे फॉर सेलिब्रेटिंग द रोल ऑफ द ओशन इन आर एवरीडे लाइफ एंड इंस्पायरिंग एक्शन। ये क्या है आपका, कौन सा ओशन डे, कौन सा ये पूछा है? 8th of June को, 8 जून को मनाया जाता है आपका ये दिवस। जून में और कोई दिवस है क्या? कौन सा डे? हाँ, योगा डे, 21 जून को आपका योगा डे। नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे यही होता है ना, 21 जून आपका योगा डे हो गया। और समर, 12 अगस्त को कौन सा दिवस होता है? इंटरनेशनल यूथ डे, ये याद रखना, इंटरनेशनल यूथ डे इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। 28 जुलाई को तो पता नहीं, 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर डे, इंडिया में डॉक्टर्स डे। और डॉक्टर्स डे से याद रखना, अब हिपोक्रेटिक ओथ की जगह पे कौन सी ओथ आएगी आपकी? चरक शपथ। हर प्रोफेशन के अंदर ना एक शपथ दिलवाई जाती है जहां पर आपकी पब्लिक डीलिंग होती है। अब पहले हिपोक्रेटिक ओथ होती थी, अब इंडिया में कौन सी आएगी आपकी? चरक शपथ। 1 जुलाई को मनाते हैं हम आपका डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे है आपका। ये मनाया जाता है बीसी रॉय की याद में, विधान चंद्र रॉय, बीसी रॉय भाई साहब थे एक बंगाली, बहुत बढ़िया आदमी थे, फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, राजनेता भी थे और मस्त आदमी थे एक नंबर। बताओ बेटा, क्लियर है सब कुछ सबको? ये फिर हंस रही है लड़की, तुम लोग ना मुझे अनकंफर्टेबल कर दोगे इतना हंस हंस के। चलो, यहां पर क्या है, इसको हटा दूं ना थोड़ा सा। इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीप ओशन मिशन। ये इसका आंसर क्या है? डीप ओशन मिशन इसका नाम है, डीप ओशन मिशन। बताओ क्लियर हो गया यहां तक? अब इसके अंदर हमने कुछ और चीजें भी देखनी थी, रामसार कन्वेंशन, उसमें लिखा है मैंने इसमें रामसार कन्वेंशन, इधर नहीं लिखा बे, इधर नहीं लिखा ना, ये रिवा, ये ना मेरे को
अभी वकील नहीं बने हो, अभी मत बनो, अल्लाह कसम बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, इतनी बुरी बात बोली तुमने। चलो ये सारे, ये सब कुछ तुमको रिकॉल करना है और सीओपी तुमको रिकॉल करने हैं, बताओ कर लोगे ना खुद से? बहुत बार करवा चुका हूं तो मुझे नहीं लगता अभी इस पे और टाइम लगाना चाहिए अपने को, है ना? तो बोल रहे सर बस हो गया अब, तो अब आप भी जाओ घर अपने। अच्छा ये रैंकिंग बहुत डिस्प्यूटेड है भाई, NIRF की रैंकिंग, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है। अब एजुकेशन इंस्टीट्यूट की रैंकिंग से ना मैं मानता हूं कि तुम लोगों को एटलीस्ट प्राइम एपी वालों को तो याद होना चाहिए कौन सा, QS रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, दो रैंकिंग सबसे फेमस होती हैं पूरी दुनिया के अंदर। 2009 में इन लोगों ने आपका क्या कर दिया, आपका अलग अलग अपना सेपरेट हो गए, अलग अलग इनकी रैंकिंग आती है। फिर हमने रिकॉल किया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इंडिया की पहली हमने देखी थी 1968 में, 1986 में दूसरी आई थी, अमेंडमेंट इसमें हुआ था 1992 में, फिर उसके बाद आर्टिकल नंबर 21A आया था, राइट टू एजुकेशन था 2009 में, नहीं नहीं उससे पहले आ गया था, 9 में नहीं आया, 2000 में आ गया था, 2000 में आ गया था राइट टू, मेरे को पता है ना, मैं पढ़ा हूँ स्कूलों में उस टाइम पे, उसमें था, उसमें बोला जाता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा, जो स्कूल में ना शुरू में आज का विचार वाला सीन होता है उसके अंदर मैं ही होता था, कि कुछ बोलना है तो सर बोलते थे संस्कृत वाले कि तू जा और तू बोल दे आज की ये ताजा खबर है और ये सबको सुना दे। नहीं 2000 के अंदर, 2000 के बाद, 2000 के अराउंड ही आया है, क्योंकि मुझे पता है उस टाइम पे 6 से 14 साल के बच्चे के लिए इसको कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर में नहीं था, और ये जम्मू कश्मीर में ने इसके लिए मना कर दिया था। पूरा कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन शायद 2009 के अंदर हुआ हो, बट जिस स्टेट में मैंने पढ़ाई करी, स्टेट्स में जिसमें मैंने पढ़ाई करी है उसके अंदर ऑलरेडी था ये। कौन सा 2009 में आया, राइट टू एजुकेशन कब आ गया था 2009 में, 2009 से पहले है, 2009 में तो मैं बता रहा हूँ 12वीं कक्षा पूरी हो गई मेरी, क्या राइट टू एजुकेशन सर्च करो ना एक बार अरबी की पीडिया खोलो। हाँ नहीं पहले से है, उसके पहले से, एक मिनट रुको मैं, नहीं नहीं अरे मेरे को याद है भाई मैं, अच्छा रुक जाओ, राइट टू एजुकेशन 2002 है, 86th अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फ्री एंड लीगल कंपलसरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन। बेटा कंप्लीटली पूरे देश में इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि देश एजुकेशन जो है ना इट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, तो इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का मानना कंपलसरी है, बट वॉलेंटरली हर स्टेट इसको अडॉप्ट कर सकती थी, तो ये पहले से आपका एग्जिस्ट करता है 2002 के अंदर, देख लो इधर राइट टू आर्टिकल नंबर 21A की मैंने बात करी है बेटा, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया था कि 6 से 14 साल के लिए जो एजुकेशन है वो आपका 2002 में आ चुका था। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, ऐसे फड़िया मार रहे हैं सर कुछ भी, मास्टर का मन कर रहा है कुछ भी बोल दो इनको, ये कौन सा मेरे स्कूल में जाके देखने वाले, अभी दो तीन टीचर तो बेचारे चल बसे मेरे। चलिए आर्टिकल नंबर 21A समझ में आ गया सबको, ये यहाँ तक आपका एजुकेशन का था, और इंडिया की एजुकेशन में हमने देखा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चीजें हमने इंट्रोड्यूस करी थी बेटा आपकी, कौन कौन सी, मेरू, क्या बात है, मेरू का फुल फॉर्म मुझे तनिष्क बताएगा। हाँ सही है, ई से क्या होगा एजुकेशन, आर से क्या होगा रिसर्च होगा, यू से क्या होगा यूनिवर्सिटीज होगा। कौन सा कोर्स खत्म कर दिया इसमें, एमफिल का कोर्स आपका खत्म कर दिया आपका, और इसमें क्या है आपका मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन आपको दे दिए गए। और ये रिपोर्ट, ये जो NIRF की रैंकिंग है ना, अब तुम लॉ के कॉलेजेस देखोगे ना एक बार गूगल सर्च करके दिखाते हैं तुमको, मेरे ख्याल से इसमें भारतीय विद्यापीठ पुणे भी टॉप 20 के अंदर है। अब मुझे तो नहीं लगता कि भारतीय विद्यापीठ पुणे टॉप 20 में डिजर्व करता है किसी भी एंगल से। एक मिनट में स्पीकर ऑन ऑफ कर देता हूँ।
नहीं है, इसका नाम NIRF रैंकिंग, बढ़िया रैंकिंग है भाई, चलो देख लो इसको एक बार। Which edition of National Institution Ranking Framework was most recently? कौन से नंबर गया? सेवेंथ है, सबसे पहले 2015 में आया, तो अब की बार सेवेंथ हो गया आपका, ठीक है। Which of the following is not true regarding the recent report? कौन सी बात सत्य नहीं है इसमें? None of the above. कौन सा गलत है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिसिन, बिजनेस, फार्मेसी, लॉ, गूगल सर्च करके देखो, इसकी सच्ची बातें तुमको समझ में आ जाएंगी कि क्या सच है क्या झूठ है इसके बारे में। तो अच्छा नहीं है इतना ज्यादा इसका रैंकिंग। ऑलमोस्ट 7000 इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटेड इन दी NIRF रैंकिंग। ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग कई बार ना लोग इंफ्रा को देखकर प्रभावित हो जाते हैं भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया, कई कॉलेजेस इतना बढ़िया इंफ्रा बना देते हैं ना, बंदा देखते ही बोलेगा कि बहुत ही बढ़िया चीज है। अब देखो, अब ना बच्चों का बिकना शुरू हो जाएगा, जैसे ही क्लैट का पेपर हुआ ना तो बहुत सारे कॉलेजेस आएंगे। एक कॉलेज है UPS देहरादून, ठीक है। अब कई कोचिंग क्या बोलते हैं बच्चे को, निर्मा तो पुराना हो गया, बेकार है, एक बार जाए UPS देहरादून में, क्योंकि UPS देहरादून में तुम में से एक का भी एडमिशन करा दिया ना तो मुझे 80,000 रुपए मिलेंगे उस चीज के। बट अगर वो मुझे 80,000 रुपए देगा तो तुम्हारे ऊपर पैसा नहीं लगाने वाला है कॉलेज, उसका इंफ्रा बहुत अच्छा है UPS देहरादून का। उसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे कॉलेज आएंगे, जैसे कर्णावती यूनिवर्सिटी हो गया, मारवाड़ यूनिवर्सिटी हो गया, एक और आता है बहुत ही फेमस, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। इन्होंने क्या लिखा हुआ था, वो पूरी टाइम उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में ऐड दिया था, उसमें दो रास्ते थे, एक साइड में खड़ा था जगदीश्वर मिश्रा और एक साइड में खड़ा हुआ था हार्वी स्पेक्टर। जगदीश्वर मिश्रा जो है वो उसमें जॉली LLB में अक्षय कुमार, और एक साइड में हार्वी स्पेक्टर जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉयर माना जाता है आपका, मतलब सूट से एक सीरीज है उसका। तो उसमें लिखा होता कि अगर आप हार्वी स्पेक्टर बनना चाहते हो कहां पर पहुंचो आप, इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ। ये सारे कॉलेज जो है ना इस रैंकिंग में नजर आएंगे, क्योंकि इन कॉलेजेस ने ना अपने इंफ्रा पे खूब पैसा खर्च किया, ठीक है। बट लॉ और मेडिसिन ना ऐसे कोर्सेज हैं, अच्छी जगह से करो ना तभी फायदा है भाई। नाम तो आपके कॉलेज का चलेगा ही चलेगा, आपका अगर बढ़िया कॉलेज है ना टॉप 30 कॉलेजेस में, आपके जो जनरली टॉप 30 कॉलेजेस हैं उसमें आप आते हो तब तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज इनसे करके कोई भी फायदा इतना मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग में हम जॉब भी नहीं लगवा सकते तुम्हारी, हम अपनी कोचिंग में भी जॉब नहीं लगवाते। अपने जो सर जो है वो कहां से है, NLU दिल्ली से, जो कंटेंट बनाएगा बंदा वो भी मिनिमम कहां से होगा, NLU से होगा। तो आपका मतलब NLU, GLC, ILS इसमें से बच्चा आता है मेजरली आपका। तो ये सारे के सारे कॉलेज कहां पर दिखेंगे आपको, NIRF की रैंकिंग में। और इनफैक्ट ये एक ग्रुप है ना, ये नोएडा के अंदर बहुत सारे वो खुल गए, MET यूनिवर्सिटी इसमें आती है। मैं क्या कह रहा हूं कि लॉ के लिए ना लॉ अच्छी जगह से ही करके फायदा, जहां का ब्रांड नेम हो, एल्यूमनाई बेस हो जहां का बढ़िया सा, या तो NLU हो गया या जहां का एल्यूमनाई बेस बढ़िया हो वहां से करके फायदा है। MET क्या करेगा, बड़ी कंपनी को बुला देगा, MET में बच्चा वो पढ़ेगा जिसकी जेब में रोकड़ा होगा, ठीक है, वही आदमी पढ़ सकते हैं। यहां पर आपका MET हो गया, MET के अलावा और क्या हो गया, अशोका में ना, अशोका के 1 किलोमीटर दूर तक तेरे को जाने ना दे अशोका वाले, अशोका बहुत तगड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है अशोका, अशोका को ऐसे मत ले भाई। ये वाली सारी की सारी क्या आपका, ये कि लॉ का जमाना चल रहा है इसलिए लॉ शुरू कर दिया, इसलिए लोग आ जाएंगे इसके अंदर। चलो, इन द मोस्ट रीसेंट एडिशन कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप करेगा आपका, जादवपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ का जो फीस है ना वो सबसे कम है, मेरे ख्याल से फ्री में ही पढ़ाते हैं लोग, तो एक बार पढ़ना जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के बारे में, अच्छा है ये भी। विच इंस्टीट्यूट वॉन द कॉलेज कैटेगरी इन द मोस्ट रीसेंट एडिशन, मिरांडा हाउस दिल्ली, ये भी अच्छा कॉलेज है। बताओ क्लियर हुआ ये सारी चीजें, NIRF की रैंकिंग के साथ साथ एजुकेशन से रिलेटेड इंडिया की जितनी चीजें हैं वो सबको याद होनी चाहिए। ये था ना जेंडर पैरिटी इंडेक्स वाला भी, GPI था या नहीं था ये पेपर में, है ना, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है। क्या समझते हो जेंडर पैरिटी से, कि दोनों जेंडर को इक्वल ट्रीट किया गया या फिर नहीं किया गया। पाकिस्तान की इसमें बहुत बेइज्जती कर रखी है, एक बार पैसेज को पढ़ोगे तो समझ में आएगा तुमको। वाइल वुमेन मेकअप रफली 49% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, दे ओनली मेकअप 20% ऑफ द
कंट्रीज वर्क फोर्स, मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें से सिर्फ 20 कितनी आपकी ये कहां की हालत है आपके, इंडिया थोड़ा सा अच्छा है, इससे बेटर है, बट यहां पर भी हालत ज्यादा अच्छे आपके नहीं है। इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा, जेंडर पैरिटी इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इज नॉट ट्रू आपसे पूछा गया है, इन द जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन एलिमेंट्री सेकेंडरी एंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इज द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट एनरोल्ड इन ईच लेवल ऑफ एजुकेशन टू मेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईच लेवल। कई क्वेश्चन का ना आंसर जो है वो वहीं पे तुमको मिल जाता है, इसमें रॉन्ग पूछा है ना। तो अगर हम पहले को ट्रू मान लें और अपने को पता है कि पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ये क्या बोल रहा है, फीमेल टू मेल रेशो है, किसी भी जगह पे आपका फीमेल टू मेल का रेशो आपका। इन समरी जीपीए एट वेरियस लेवल रिफ्लेक्ट गर्ल्स इक्विटेबल इन्वॉल्वमेंट इन द स्कूल सिस्टम। अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा ये, अगर ये एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, हम यहां पर क्या चाहते हैं कि डिनोमिनेटर को घटाएं या न्यूमरेटर को बढ़ाएं, न्यूमरेटर को बढ़ाना अपना ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो न्यूमरेटर जितना वन से ऊपर जाएगा उतना ज्यादा अच्छा है, वन के क्लोज जाएगा उतना ज्यादा अच्छा आपको मिलेगा, ठीक है। नहीं तो जेंडर वन से ऊपर जाएगा तो नीचे वाले के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा कि मेल आपके कम है यहां पर। अ जीपीए ऑफ जीरो इंप्लाइज जेंडर इक्वालिटी, क्या जीरो इंप्लाई करेगा या वन इंप्लाई करेगा, वन इंप्लाई करेगा। अगर आपका कभी भी जीपीआई जेंडर पैरिटी इंडेक्स लेस देन वन है तो इसका मतलब क्या है, मेल डोमिनेट कर रहा है, मेल डोमिनेटिंग आपका यहां पर क्या होगा, मेल डोमिनेटिंग क्लास, यानी कि इस जगह पे सेकेंडरी लेवल पे मेल डोमिनेटिंग है आपका। जीपीआई इक्वल टू वन क्या होगा आपका, इक्वालिटी, और अगर ये कम हुआ तो आपका फीमेल डोमिनेटिंग हो जाएगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई सबको, चीज पक्का, ये जीपीआई ये वाला पॉइंट क्या इसके अंदर गलत लिखा हुआ है, आई होप ये सबको क्लियर होगा आपका। जेंडर पैरिटी का मतलब हर जगह पे मेल फीमेल टू मेल का हम क्या देख रहे हैं, आपका रेशो देख रहे हैं। यहाँ पर चेक कर रहे हैं 2018-19 में हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था एक स्कीम आपका, इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसका नाम क्या आपका, समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा का मतलब क्या होता है आपका, ये भी फीमेल एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी कि समान रूप से दोनों जेंडर को आपका क्या मिले, आपका शिक्षा मिलता जाए, इसके लिए आपका समग्र शिक्षा ओपन हुआ। व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, 135, कितने देशों में से, 146 में से अपना कितना आ गया, अपना 135, बढ़िया नंबर है ना, ठीक है। द जेंडर पैरिटी इंडेक्स इज रिलीज बाय यूनेस्को, इसको कौन रिलीज करता है आपका, यूनेस्को आपका रिलीज करता है, UNHCR और UNHRC, रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, दोनों के दोनों को, ह्यूमन राइट काउंसिल है ना, कमीशन नहीं है, तुम लोगों ने ठीक कराया था। UNHCR क्या आपका, यूनाइटेड नेशन हायर कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, कमीशन नहीं क्या बेटा यहाँ पर, कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। और वर्ल्ड बैंक सबको पता है कि IBRD जोड़ दिया और साथ में क्या जोड़ दिया, IDA, ये बन गया आपका क्या, वर्ल्ड बैंक। और अगर अपने को बनाना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप तो हम क्या करेंगे, ICSID प्लस, और किसको जोड़ेंगे, IFC और आपका MIGA, इन तीनों को जोड़ डाला तो अपने पास क्या बन गया आपका, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये याद रखना सब लोग, ठीक है। UNDP 1964 में बना, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, तुमने ठीक किया था, जिनीवा में है। और ये क्या बनाता है आपका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर काम करते हैं लोग, HDI। चलिए नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। जेंडर गैप इज अ डिस्पैरिटी इन सोशल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक अटेनमेंट और एटीट्यूड्स बिटवीन मेन एंड वुमेन, ठीक है। इट इज द मोस्ट रिसेंट इंडेक्स विच हैज बीन ट्रैकिंग दिस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड सर्वाइवल, सेक्स रेशियो, एट बर्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इंडिया रैंक लास्ट आउट ऑफ 146 कंट्रीज। इसमें क्या पूछा, नॉट ट्रू, डी है क्या इसका आंसर, बी, नहीं बी है ना इसका आंसर, सिंस इट्स इंसेप्शन इन 2019। तो या तो इसका इंसेप्शन नहीं हुआ 2019 में, या का इसके इसके बारे में एक बार से, इट इज द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग इंडेक्स, ये कब इंसेप्शन इसका कब है आपका, 2006, यहां पे लिखा हुआ है नीचे बेटा, मैं बताता हूं एक बार, अगले क्वेश्चन में यही चीज है, ठीक है।
अब मैंने बोला कि अरे नहीं खत्म हो गए, रुको, इंडिया सबसे अच्छा, मैंने अलग से लिखा हुआ है इसके अंदर फिर शायद, हाँ ठीक है, इसके अलग अलग पैरामीटर हैं कि किस किस जगह पे हम कैसा रहे आपका। एक है पॉलिटिकल पैरामीटर आपका, कि पॉलिटिकली आपको कितना इक्वालिटी मिला, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है। एक है आपका इकोनॉमिक, एक है आपका एजुकेशन, और एक है आपका हेल्थ। हेल्थ में हम लोग वर्स्ट परफॉर्मेंस है हमारा 146 में, हम लोग आपका पॉलिटिकल वाले पैरामीटर के अंदर हम बेस्ट परफॉर्मर है, 48 अपना रैंक है, और ओवरऑल हम कौन से नंबर पर है आपका 135 पे। अब समझ में आया बेटा, अलग अलग इंडेक्सेस किया, उनको आपस में कंपाइल किया, मतलब पहले देखा तुम्हारे टोटल नंबर कितने हैं, फिर देखा कि एक सब्जेक्ट में सबसे बुरा तुमने कहां पर किया है, ठीक है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हेल्थ, सबसे अच्छा कहां पर है हम लोग, और सबसे बुरे कहां पर है आपका, हेल्थ के अंदर, मतलब महिलाओं को इतनी जल्दी हेल्थ केयर फैसिलिटी आपका नहीं मिलता। बताओ ये सातों के साथ टॉपिक हो गए पूरे कंप्लीट। अब आगे बढ़ो, देखो JWST, बताओ ये कराने की जरूरत है क्या तुमको, करोगे खुद से, करो फिर तो करना। चलो ठीक है, एक और है अपना कोलेजियम सिस्टम वाला है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी लाइक, इसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड है आपका, देख लेते हैं इसको भी एक बार आपका पैसेज को, वैसे रहे तो प्रेसिडेंट भी मैंने करा रखा है ना, प्रेसिडेंट भी करा के रखा हुआ है, तो ये दोनों के दोनों पैसेज जो है अलग से तुमको भेज रहा हूं मैं, सब लोगों को टेलीग्राम पे भी मैं डाल रहा हूं, इसको ढंग से कर लो। 9 टॉपिक अपने कंप्लीट हो गए। अब जो टेस्ट है, टेस्ट हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे कि सबसे पहले जो किया था उसका अब टेस्ट करेंगे, जो पिछली दो क्लासे हैं, लास्ट की दो क्लासेस जो ऐसा करते हैं हम लोग, हमारा MIT 1 हो गया, MIT 1 हमने किया ना पूरा, MIT 2 हमने नहीं किया है, उसको भी के लिए हमने रोका हुआ है, MIT 3 अपना कंप्लीट है, 4 कंप्लीट है, दो पैसेज काम दिया था ना तुमको करने के लिए उसमें, उसके अलावा बचे हैं दो पैसेज, ठीक है, और पांचवा पूरा कंप्लीट हुआ आपका, ठीक है। 4 और 5 नहीं, मैं काम दे रहा हूं ये तुमको, तुमको खुद से ही पढ़ना है इसके, मतलब लगा के चलो लगभग ये 35-40 पैसेजेस हैं तुम्हारे पास टोटल। इसका 2 टेस्ट बना लें, है ना, कि 4 और 5 का, या 1 और 2 का बनाऊं पहले, 1, 2, 3, 1 और 3, ठीक है, और फिर 4 और 5, ठीक है। तो कल इसका तुमको मैं क्विज दे दूंगा शाम तक, शाम से पहले ही दे दूंगा एक बार, और जो ऑफलाइन बच्चे होंगे उनको ऑफलाइन भी मैं दे दूंगा ये वाली चीज, ठीक है। और ऑफलाइन में तुम लोगों को सॉल्व करना है, ऑनलाइन में एटलीस्ट तुमको 10 बार अटेम्प्ट करनी है एक एक क्विज को, 10 बार एक क्विज को करोगे उसी से सब कुछ होगा, ठीक है। इन केस तुमको कोई भी डाउट होता है तो तुम अपना ग्रुप में डाउट लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई होप आप सबने लर्न किया होगा, धन्यवाद आप सबका, गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर तुमको ठीक लगा क्लास तो सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक भी कर सकते हो। जय माता की।